हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। कैसे हैं सब लोग? विश्वास करता हूं परमेश्वर ने सभी को सुरक्षित रखा है, संभाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी और वीडियो को, लाइव को शेयर कर दें, अपने अलग जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और हम आज के इस मीटिंग को, लाइव मीटिंग को शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। जितने लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और दो मिनट में शायद लेट हुआ हो, शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। सभी लोगों को रोहिंग्या बाइबल लर्निंग जॉब भाई हैं शायद, मेरे हिसाब से, मैं नाम याद है मुझे, जय मसीह की। रंजन जी जय मसीह की, कृष्णा जी जय मसीह की, सागर भाई जय मसीह की, अर्जुन जी जय मसीह की, रीता अरोड़ा जय मसीह की, अविनाश भाई जय मसीह की। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और आज का हमारा लाइव कुछ खास होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाएं। और आप अगर आप चाहते हो कि आज क्यों खास होने वाला है, क्योंकि कल पाम संडे है और उसके विषय में मैं कुछ बातें आज बताने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आपका सवाल तैयार रखिए। किसी का कोई भी सवाल है आप लोग पूछते रहिएगा और मैं आज सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो YouTube इसको और लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको लाइक करें। और मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ज़रा सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट में बताइए, चैट में बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कैसे हैं सब लोग? सभी लोग कैसे हैं? आपके परिवार में सब कैसे हैं? पिछले एक सप्ताह परमेश्वर ने किस प्रकार आप सभी को सुरक्षित रखा है? और हम जो वीडियोस डालते हैं, आप लोगों को उससे कोई फायदा होता है या सिर्फ ऐसे ही आप वीडियो को देख लेते हैं, जैसे बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो आप देखते हैं, ऐसे ही देख के चले जाइए? उससे आप लोगों के जीवन में कुछ आत्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी मुझे बताते रहिएगा। क्योंकि जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो बाइबल से रिलेटेड हो। और वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे जहाँ पर सिवाय बकवास के और कुछ नहीं हो रहा है। कोई किसी को लेकर कुछ बात बोल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, आपस में ही जो बिल्लियों के तरह लड़ रहे हैं, है ना, और उसमें ज़्यादा समय खराब कर रहा है, ये ऐसा है वो ऐसा है। देखिए, गलत है, गलत को गलत बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप किसी को गलत समझा दो, ठीक है, उसको बात नहीं समझ में आता तो उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, परमेश्वर देखेगा सब कुछ। सही को सही बताना और गलत को गलत बताना हमारा काम है, लेकिन गलत को उसको हम गलत चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रखते रहें, उसी में दिमाग को लगाते रहें, तो उससे धीरे धीरे हमारा जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है और हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी आप यूट्यूब, आपके फ्री है, आप आराम से यूट्यूब से कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कोई पाबंदी आपको नहीं है, लेकिन इस छूट का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। कोई ऐसा टॉपिक पे ऐसे वीडियोस को ज़्यादा मत देखिएगा जिससे आपके आत्मिक जीवन में दिक्कत आए ना। जैसे आदम और हव्वा को छूट था तो उन्होंने अपने मर्जी से फल खा लिया, ऐसे आज अगर परमेश्वर ने आपको चुनाव करने का अधिकार दे रखा है तो सही चुनाव करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप जो मैं वो मेरे चैनल है, मेरे वीडियोस उसी को देखिए, किसी और को मत देखिए, आप किसी का भी देखिए, इंक्लूडिंग मेरे वीडियोस भी अगर आप देखते हैं तो बाइबल खोल के देखिएगा जो मैंने कहा है वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है, क्योंकि आपने मेरे कहने से कुछ नहीं करना है, परमेश्वर क्या कहता है वो ज़रूरी है, ठीक है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। चलिए हम लोग आज की इस मीटिंग को शुरू करने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जवाब देने के लिए, हमारे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और आप सब लोग परमेश्वर की दया से, मैं विश्वास करता हूँ, सुरक्षित है, संभाला है प्रभु ने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। पिता परमेश्वर, इस समय हमें संभाला,
और आज के दिन को दिखाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, इस समय जितने भी भाई बहन हमारे संग जुड़े हुए हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर, मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। आने वाले समय में प्रभु जी और भी बहुत सारे भाई बहन लोग जुड़ेंगे, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आज जो भी भाई बहन अपने सवाल जब पूछेंगे पिता परमेश्वर, उन सबके जवाब प्रभु जी आपकी ओर से होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप मेरी मदद करें, आप वचनों से प्रभु जी बोलने में मेरी सहायता करें, मेरी जुबान को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। जो प्रभु आपकी इच्छा है उस प्रकार से होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और विशेषकर प्रभु जी इस समय प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए, इनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी ये आपके जीवन में परमेश्वर आपकी बातों में अपने जीवन में लागू करके प्रभु आगे बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। और सभी ने कहा आमेन आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज बहुत सारे कमेंट यूट्यूब पर भी मेरे पास कमेंट बॉक्स में आते हैं, जो अब वीडियोज में डालता हूँ उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से बहुत सारे जो कमेंट है उसके जवाब भी मैं आज देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक सवाल मैं पहले ले लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है यीशु का स्वर्ग जाने के बाद पतरस का क्या हुआ, इसके विषय में वीडियो बनाना भैया, धन्यवाद। बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज़ का वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। देखिए बाइबल में बहुत सारी बातें हैं और मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसे वीडियोस को बनाऊँ जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो, है ना। कथा कहानियों को छोड़कर थोड़ी सी मैं वचन की ओर जाना पसंद करता हूँ, और समय मिलेगा तो कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आपने जो पूछा है मानी जी, आप जैसे आप जुड़े रहें और समय होगा तो हम बनाएंगे। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने तो आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। गणेश भाई पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दे वीडियो बनाने के लिए। ओह बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ठीक है। और सबने जो भी लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को पता है उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, शादी से पहले क्या करना है एक मसीह व्यक्ति को जिसने शादी नहीं किया है, या मसीह भाई या बहन जो शादी के लायक है, या उनकी उम्र शादी की हो चुकी है, माँ बाप कलीसिया के लोग उनके लिए जीवन साथी को तलाश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए अपने आने वाले जीवन साथी के लिए ताकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, जो प्रभु चाहे उस प्रकार का जीवन हो। तो इस वीडियो पे बहुत सारे अजीब अजीब से कमेंट मेरे पास आए, जबकि मैंने वीडियो में सब कुछ खुलकर बताया है। कुछ बच्चों ने भी कमेंट किया कि हम छोटे हैं तो हम कैसे प्रार्थना करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप छोटे हैं तो अभी आपको प्रार्थना उस शादी के लिए करने की ज़रूरत नहीं, पहले अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, उत्तम प्रभु में बढ़ने के लिए प्रार्थना करिए। जब समय आएगा तब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, तब आप अपने शादी के लिए करिएगा। अभी आप अपने पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे और प्रभु में बढ़ने की जो आपके अंदर होनी चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, उस बाइबल पढ़ने पे, बाइबल के वचनों को समझने पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट उसमें आया था, किसी ने पूछा था मुझसे कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि कोई बहन है तो मेरे लिए प्रार्थना करिए। देखिए आप शादी नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है ना, उसमें आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बाइबल बताती है यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर अपने कामुकता पे काबू नहीं कर सकता तो शादी कर ले। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ा जो शैतान का एक हथियार है वो है व्यभिचार, और व्यभिचार के द्वारा वो अच्छे अच्छों को गिरा देता है ना, आज के समय अच्छे अच्छे मनुष्यों को गिरा देता है। तो आप अपनी ताकत लगा के सोचेंगे व्यभिचार से बच जाए, ये नामुमकिन शब्द जैसा एक इस्तेमाल होता, मैं नामुमकिन नहीं कहूंगा लेकिन बहुत मुश्किल कहूंगा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि शादी करना, पौलुस कहता है अगर तुम, मैं चाहता हूं सब मेरे जैसा हो लेकिन अगर आप कामुकता पे काबू नहीं कर सकते तो शादी कर लो। तो देखिए आपने शादी करने से इनकार किया, कुछ रीजन है उसका, हो सकता आपने कुछ पूछा हो, जो भी बात होगा आपके अंदर, या कोई आपके दिल दुखाने वाली बात रही होगी, कुछ भी रहा होगा जिससे आपने निर्णय लिया। तो बाइबल शादी का इजाज़त देती है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं करना तो आपकी मर्जी है, बट पाप से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप शादी कर लें, बुराई से, व्यभिचार से बचने के लिए। ओके, ठीक है।
ठीक है। और भी कमेंट में है, बहुत सारे हैं, उससे पहले मैं जो आप लोग लाइव हैं उनका भी कमेंट ले लेता हूँ। रीता अरोड़ा लिख रहे हैं, बाइबल के अनुसार चलता हूँ। आप लोग अपना नाम भी लिख दिया कीजिए कि आपका क्या नाम है। अगर आपका आईडी आपका नाम है तो भी आप लिख दीजिए, नहीं तो भी लिख दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो चैनल फेसबुक का यूट्यूब का जो चैनल है उस नाम से कई लोग अपना आईडी किसी और का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि अपने पिताजी का हो, भाई का हो, पति का हो, पत्नी का हो, कोई और, तो बहन भी भाई के नाम से जुड़ी होती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपना नाम के साथ ज़रूर लिखें उस चीज़ को, ठीक है। ओके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर आप प्रभु पे चलते हैं तो प्रभु ज़रूर और भी उत्तम रीति से आपको चलाएगा। आज लोग थोड़े कम जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, शायद आप लोगों ने शेयर नहीं किया। क्या शेयर नहीं, कितने लोगों ने शेयर कर दिया ज़रा बताइए। यीशु का प्यार, हाँ कौन है, जय मसीह की, जय मसीह की भाई, जय मसीह की, जिन्होंने भी लिखा है नाम लिख दीजिएगा। जॉब भाई, जय मसीह की। ओके, ये क्या लिखा, संजीत जी लिख रहे हैं, रिचार्ज नहीं था इसीलिए हम नहीं आपके वीडियो देख पा रहे थे, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। जरूर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर संभालेगा। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक लेकर भी मैं बैठा था कि आज हम बात करेंगे पाम संडे के ऊपर, कल पाम संडे, आप लोगों को कितने लोग पाम संडे को चर्च में जाकर मनाते हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पाम संडे चर्च में जाकर मनाते हैं, जरा लिख कर बताइए। मैं आज कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोज़ हैं पाम संडे के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं लाइव में कई सारे सवाल, अगर आपको पाम संडे से रिलेटेड है तो आज का जो हमारा मेन ये जो एपिसोड है, या जो लाइव हम कह लें एपिसोड कह लें, इसका मेन मकसद है कि पाम संडे के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं आप लोग अपने सवाल जरूर पूछिएगा। देखिए, पाम संडे करके शब्द बाइबल में तो नहीं है, कि पाम संडे ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये उस दिन को लोग मनाते यादगारी के लिए, बट बाइबल में जैसे क्रिसमस के बारे में नहीं लिखा है, सब पाम संडे, ईस्टर और गुड फ्राइडे के बारे में भी नहीं लिखा है। तो क्या सही है, क्या गलत है, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, उसके ऊपर आज हम इस विषय में बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके अच्छी बातें भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं। और गालियां कौन दे रहे हैं, जो लोग नामधारी मसीह, आप समझ जाइए, वो लोग गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि अपना पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है, पाम संडे मनाने से ज़्यादा पवित्र जीवन जीना ज़रूरी है, तो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, साल में एक बार तो आता है, आप कौन होते हो ऐसा बोलने वाला। मैं कोई नहीं हूँ, बाइबल इसके बारे में बोलती, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पाम संडे से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो ज़रूर बोलिएगा, बताइए, पूछिएगा, मैं ज़रूर उससे जवाब देने की कोशिश करूँगा। सागर जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैंने भी शेयर कर दिया है आपके वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर अवकाश दे। हम पाम संडे चर्च में जाकर मनाते हैं, अविनाश भाई, पाम संडे चर्च में जाकर मनाते हैं, अच्छी बात है, आप जैसा भी करते होंगे आपको पता होगा। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बाइबल में इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आपको पाम संडे का मतलब पता होना चाहिए। आज के टाइम पे पाम संडे का मनाने का तरीका बदल गया है ना, लोग क्या कर रहे हैं आज, आप देखिएगा अधिकतर जगहों पर लोग यीशु मसीह के नाम से पाम संडे तो मनाते हैं, लेकिन आप देखिए, सोच अपने खुद को सोचिए, किसी और के बारे में नहीं, अपने जीवन को झांक कर देखिए, क्या हम में से आप प्रभु के वचन में, आपके जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में? अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो प्रभु के वचन के विरोध में है, तो फिर आप पाम संडे मनाएं, गुड फ्राइडे मनाएं, ईस्टर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, या एस वेनसडे होता है, राख बुधवार है, या कुछ भी मनाएं, क्या उससे आपका उद्धार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उद्धार के लिए पवित्र जीवन जीना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा यीशु मसीह के आने पर कि मैंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे क्रिसमस सेलिब्रेट किया है इसीलिए मुझे स्वर्ग ले जाओ, या मैंने सारे ईस्टर मनाया है इसलिए मुझे स्वर्ग ले जाओ, मैंने सारे पाम संडे में चर्च गया हूँ इसलिए मुझे स्वर्ग ले जाओ, इवन मैंने पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियाँ रखी थी इसलिए मुझे स्वर्ग में ले जाओ, या गुड फ्राइडे के दिन मैं फूट फूट कर रोया था इसलिए मुझे स्वर्ग में ले जाओ, या एस वेनसडे के दिन मैंने अपने सिर के ऊपर राख लगाया था, मैं जानता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ इसलिए मुझे स्वर्ग ले जाओ, क्या ऐसा बोलकर कोई स्वर्ग जा सकता है? अगर जा सकता है तो भैया पाम संडे वगैरह कोई जीवन में महत्व दीजिए, परमेश्वर के वचन को मत दीजिए। आप खुद मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करके उसके बाद उसके वचन के अनुसार ना चले और वो स्वर्ग चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है ये। यीशु पर विश्वास करना है तो उसके वचन को भी मानना होगा, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और अंजू मसीह लिख रहा है, मैं आपके काम पर रहती हूँ पर विश्वास करती हूँ परमेश्वर से मेरी जिंदगी बने। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं घर में प्रेयर करता हूँ हमेशा, घर में संडे होता हूँ। चर्च भी जाया कीजिए, अगर संडे में है चर्च आसपास तो जाइए, अपने चर्च में भी किसी चर्च में जाके संगति करना बहुत ज़रूरी है। शादी करने से व्यभिचार से बचा किया जा सकता, बिल्कुल सही बात, शादी करिए व्यभिचार से बच सकते हैं ना, परमेश्वर ने आपको मौका कहा है इस चीज के लिए। मैं मनाता हूँ सिर्फ प्रभु जी का महिमा करता हूँ, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और शादी करने से क्या व्यभिचार से बचा जा क्या क्या, बिल्कुल देखो ना, बिल्कुल बचा जा सकता है अगर आप अपने पत्नी या पति के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर ने जैसे आपको जीवन दिया है उस तरह जीते हैं। क्योंकि देखो जो शादीशुदा नहीं है उनका व्यभिचार करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके हालेलुया। और ये लिखा है शादी करने से क्या व्यभिचार, एक ही सवाल है, बिल्कुल बचा जा सकता है, सभी लोगों ने ये पूछा है। हमारा मकसद सिर्फ यहोवा और यीशु के सारे आज्ञाओं को मानना और अटूट विश्वास और यीशु मसीह के उद्धार करता, बिल्कुल उसकी आज्ञाओं को मानिए। और उसकी आज्ञाओं में तो ये लिखा है कि मेरे वचनों को मानो, इधर उधर की बातें और जो मैं बता रहा हूँ, ये पाम संडे है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे, इसको मनाने की आज्ञा तो यीशु मसीह ने मेरे को नहीं लगता कहीं पे दिया है बाइबल के अंदर। तो अगर आप नहीं भी मनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वचन में चलेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आप मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा प्रार्थना का विषय हम आज का स्पेशल है, इसीलिए मैंने कहा था कि पाम संडे को बात करेंगे, तो कुछ कुछ प्रार्थना को मैं ले लूँगा जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बहुत ज़रूरी प्रार्थना का विषय है तो आप दीजिएगा, और अगर देखेंगे समय होगा तो हम जरूर आगे प्रार्थना करेंगे, अन्यथा जो भी प्रार्थना का विषय हो बाद में जब भी मैं प्रार्थना में बैठूंगा उस विषय को लेकर बैठूंगा। अच्छा एक सवाल पूछना है आप लोगों से, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा चैनल बनाए जहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह लिया जाए? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कमेंट में, तो मैं सबके लिए लिख कर कमेंट करके प्रेयर प्रार्थना का विषय अगर आपने भेज दिया, मैं लिख कर कैसे उसमें प्रेयर करूँ? तो मैं ये सोच रहा था अगर एक और चैनल ऐसा जिसमें हम प्रेयर, जो भी प्रेयर आप देंगे उसके लिए विशेषकर सबके प्रेयर विषय को लिख के फिर उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, सबका नाम लेकर प्रार्थना भी करेंगे और उसको अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों तक वो प्रार्थना विषय पहुंच भी जाए। तो क्या ये सही रहेगा? अगर यस या नो तो मेरे को सारे लोग वोट करिएगा, और मैं इस विषय के ऊपर कल कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोल डालूंगा, पोल में पूछूंगा आपसे, आप लोग वहां जाकर वोट करिएगा। अगर मैक्सिमम वोट 1000 वोट तक हो गया, 1000 वोट आया तो मैं जरूर उस चैनल के विषय में विचार करूंगा, ठीक है? ओके चलिए प्रार्थना करते हैं। ये इनका नाम है कि मेरी बहन क्या, उनकी बहन को क्या हुआ है, लड़के से बात करती है और मम्मी पापा परेशान भी है, कृपया प्रार्थना करते। ओके किसी लड़के से बात करती है, शायद ये आप बोलना चाह रहे ना, प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी बहन ठीक हो जाए उसकी, क्योंकि मेरी बहन किसी और लड़के से और लड़के किसी और पराए लड़के, लिखा ना पराए लड़के से बात करते, ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं हर एक व्यभिचार और एक दुष्ट आत्मा की शक्ति, यीशु मसीह के अधिकार के नाम से टूटे प्रभु जी, और इनके जीवन में पिता आपकी महिमा हो, जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार बढ़ने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए, हर एक अंधकार की सामर्थ्य व्यभिचार की सामर्थ्य इनके बहन के जीवन से निकले यीशु के अधिकार के नाम से, और ये स्वतंत्र हो, आमेन। ओके ओके यस 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 सबने लिखा है, हमारे यहाँ पर परदेशी हैं, हमारा घर नहीं, बिल्कुल हम यहाँ परदेशी हैं। ओके मैंने आपका कमेंट पूरा पढ़ा ब्रदर, आपने लिखा था, क्योंकि मुझे समझना पड़ता है, कई सारे चीज ऐसे हम आप लिख तो देते लेकिन मुझे देखना भी पड़ता है कि उस चीज को हम पब्लिकली पढ़ सकते हैं कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा धीरे पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपके प्रार्थना विषय को पढ़ा है पूरा। ओके ठीक है, जय मसीह की, हरीश भाई जय मसीह की, यस ये आपने लिखा, यस
मैं समझ नहीं पाया ईश्वरी जी जो भी है आपने लिखा है, बया भी क्या लिखा है, आंखों की और मन की विचार पे फर्क होता है क्या, समझ नहीं पाया मैं उसको, थोड़ा क्लियर लिखी है। देखिए हमारा कोई अभी मिनिस्ट्री का नंबर नहीं है, लेकिन हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ तो मैं उसका लिंक अभी आपको दे दूंगा, तो आप लोग उस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमसे अगर आपको जुड़ना है तो अभी एक ही माध्यम है, टेलीग्राम के थ्रू, या फिर आप हमारे इसी चैनल का इंस्टाग्राम पर भी हमारा है, तो आप इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो उस माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो व्हाट्सएप की तरह ही है, आप उसमें हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, मैं पिन कर देता हूँ, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वचन ठीक लगता है। हरी जी बहुत धन्यवाद। अनुज अंजू लिख रहे हैं, अंजू मैसी, हाँ यस, मैं चाहती हूँ कि आप एक और चैनल बनाएं और फर्स्ट टाइम आपको वीडियो लाइव देख रही हूँ, प्रभु आपका शुक्र। बहुत बहुत धन्यवाद पहली बार जुड़ने के लिए, और मैं बता दूं आप सभी को, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं, हम लोग हर शनिवार रात 8 बजे लाइव आते हैं। आंखों और मन की व्यभिचार फर्क है क्या? बिल्कुल है, आंखों और मन की व्यभिचार दोनों फर्क है, दोनों एक ही साथ है, फर्क भी है। देखिए यीशु मसीह ने कहा है कि पहले जब था, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर किसी पराई स्त्री को कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। यदि आप किसी के प्रति कुदृष्टि डालते हैं, अपने मन में विचार करके किसी को गंदी नजर से देखते हैं, तो आप व्यभिचार कर चुके हैं। इसीलिए इन दोनों व्यभिचार से बचना, मन का हो या आंख का, दोनों व्यभिचार गलत है। मुंबई से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, मुंबई से बोल रहे हैं, मुंबई से कई सारे लोग हैं, हमारे नवनाथ भाई हैं एक, वो भी मुंबई से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो पाम संडे के ऊपर बात कर रहे थे हम, आ जाना पाम संडे के ऊपर। तो पाम संडे का जो मतलब है, बाइबल में कहाँ से पाम संडे को लिया गया है, तो वो अगर हम देखते हैं तो हम मरकुस की किताब में भी उसको पाते हैं, लूका में भी पाते हैं, यूहन्ना में भी पाते हैं, मत्ती में भी पाते हैं, चारों जो किताब है गॉस्पल को उसमें से हम उसको पाते हैं। अब मैं आज अगर बात करूं मरकुस रचित सॉरी मत्ती की सुसमाचार की किताब, उसके 21 अध्याय में हम देखते हैं ये शुरू होता है यीशु मसीह के जो है यरूशलेम में प्रवेश करने से, यानी कि वो यरूशलेम जहां पर अब यीशु की मृत्यु होने वाली थी, जिस जगह पर यीशु को सजा दिया जाने वाला था, उसके एक सप्ताह पहले यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोग पाम संडे मनाते हैं, और इस दिन को लोग खजूर की डालियां लाकर चर्च को सजाते हैं, पास्टर के पैरों के नीचे डालते हैं, मुझे नहीं मालूम पास्टर के पैरों के नीचे क्यों डालते हैं। आज बड़े एक इंटरेस्टिंग सा मेरे पास कमेंट आया मेरे वीडियो में, मुझे किसी ने पूछा कि ब्रदर आप गलत हो, हम जब पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियां डालते हैं तो पास्टर के पैरों के नीचे इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो गधा है क्योंकि पास्टर के ऊपर कौन है, यीशु मसीह बैठा हुआ है, इसीलिए पास्टर गधा है, हम गधा समझ के उसको वो डालते हैं खजूर की डालियां। तो मुझे बड़ा हंसी भी आया, और उनके सोच पर मुझे थोड़ी सी अजीब सा भी लगा कि ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं। उनको सोच कर देखिए कि क्या जरूरत है आज किसी मनुष्य की, आप जब किसी पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियां डालते हैं और अपना चद्दर उतार कर डाल देते हैं, तो आप क्या दर्शाते हैं, आप उसको परमेश्वर की महिमा दे रहे होते हैं। भले ही वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे नहीं, गधे के पैरों के नीचे डाला गया था, लेकिन आज एक चीज समझना है, यीशु मसीह ने क्या ये कहा है कि तुम जाओ और पास्टर के पैरों के नीचे ये सब चीजें डाल दो? बाइबल से दो तीन चीजें हमेशा देखनी है। आज संसार में जो कुछ हो रहा है हमें उसको दो चीजें देखनी, तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है। कोई भी रिवाज है, सबसे पहले क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसा कोई रिवाज करना चाहिए, उसको देखना है। दूसरा, क्या पहली शताब्दी में यीशु मसीह के जो चेले थे उनमें से किसी ने इस रिवाज को फॉलो किया है या किसी चेले ने इसको किया है, ये भी देखना है। और क्या उनकी शिक्षा में ये लिखा गया है कि तुम्हें भी ऐसा करना, क्योंकि बाइबल की जो बातें हैं ये आज के लिए तो है नहीं, इस संसार के अंत के बाद भी जो बातें घटने वाली उसको भी लिखा गया है। तो अगर आज के समय में ये सब करना है तो उसके बारे में भी तो बाइबल में लिखा होना चाहिए था, बाकी सबके बारे में लिखा फिर इनके बारे में क्यों नहीं लिखा है? तो अगर आप इनको नहीं करते हैं तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें बाइबल में लिखा नहीं है तो आपको क्यों करना है, ठीक है। लेकिन सब जो चीज लिखा वो समझने की बात है। देखिए पाम संडे के दिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं। हमारे लिए हर दिन पाम संडे होना चाहिए, जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह रहते हैं,
जिस दिन आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वो हर दिन जिस दिन आप सुबह उठते हैं सोकर और आप देखते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके लिए वो पाम संडे है, उस दिन को आपको पाम संडे के हिसाब से जीवन में रखना है। सबसे बड़ी चीज आपको देखना है कि पाम संडे के बाद जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते उन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, मैंने कई वीडियो में भी बताया, फिर बताता हूं। यीशु मसीह जब वहां पहुंचते हैं तो वो यरूशलेम मंदिर में जाते हैं, है ना। यरूशलेम मंदिर में जाकर देखते हैं कि वहां पर लोग व्यापार कर रहे हैं। क्या व्यापार कर रहे हैं? वहां कबूतर बेच रहे हैं, भेड़ बकरियां बेच रहे हैं। किस लिए? चढ़ावा चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। इस प्रकार का काम वहां पर किया जा रहा है। अब यीशु मसीह ने वहां पर सबसे पहले क्या किया? वहां से लोगों को भगाया, उनको उनके कोड़े बनाए, कपड़े को कोड़े बनाकर उनके जानवरों को पीट कर भगाया, निकाला। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मैं वचन पढ़ दूं तब तो आपको समझ में आएगा। अगर हम शायद मत्ती उसके 21 का 12 से शायद है, 12 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे ना, उनको वहां से निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतरों की जो बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उनसे क्या कहा, ये देखिए उनसे क्या कहा यीशु मसीह ने, कि मेरा घर परमेश्वर के प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसको डाकुओं का खो बना दिया है। आज के दिन पूरे साल आप अपने मंदिर को, यानी परमेश्वर के मंदिर को, आप परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना के रखे हुए हैं। मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं जो पाप में जीवन जीते हैं, याद रखिएगा, सबके बारे में जो पाप में जीवन जीते हैं। आज के टाइम पे आपने अपने जीवन को मंदिर नहीं, डाकुओं का खो बना रखा है। आपके जीवन में व्यभिचार है, आपके शरीर में व्यभिचार है, पाप है, घृणा है, निंदा है, दूसरों की बुराई है, शायद दारू सिगरेट पीने वाले भी है, झूठ बोलने वाले भी हैं, ये सब कुछ करते हैं। और उसके बाद एक दिन आकर पाम संडे वाले दिन खजूर की डालियां लेकर आ जाते हैं चर्च में। क्या आप सही हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। क्या वो व्यक्ति जो जीवन भर पाप में गिरा हुआ है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो अच्छी बात है, वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करने के बाद भी जीवन भर पाप में गिरा हुआ है, हर दिन पाप कर रहा है, हर दिन वचन को तोड़ रहा है, और पाम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे वाले दिन अपने आप को पवित्र दिखाता है, क्या ये सही है? क्या इस प्रकार से आप पाम संडे मनाकर परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? नहीं। प्रभु का वचन कहता है कोई अगर परमेश्वर को खुश करना चाहता कैसे खुश कर सकता है? उसकी आज्ञाओं को मानकर। उसकी आज्ञाएं क्या है? कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज ये समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पाम संडे का मतलब बदल गया है। आज लोगों को देखिए, पाम संडे वाले दिन नाच हो रहा है, कूद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन अपने जीवन को कोई परखने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं देखना चाहता उसके जीवन में पाप है, कोई नहीं देखना चाहता। सबको लग रहा है सुबह जल्दी, अभी आज शनिवार रात है, कल सुबह के लिए मैं जानता हूं लोग तैयार हो रहे होंगे, सुबह के लिए एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो रहेंगे, नया ड्रेस आ गया होगा, एकदम तैयारी हो रही है सबकी कि भैया सुबह पाम संडे अच्छे से जाना तैयार होके, और रात आज पूरा दिन लगा दिया होगा पाम संडे की खजूर की डालियां ढूंढने के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को परखने की कितनी जरूरत है मेरे प्रियो। इसीलिए इन सब बातों में मन ना लगाएं, प्रभु के बातों में मन लगाएं। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहां पर सब कुछ पलट दिया। और अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 पढ़ते, वहां पर साफ रीति से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या परमेश्वर का मंदिर है, और जो इसको नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट कर डालेगा। जब यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह ने आकर वहां पर सफाई किया, सारे लोगों को वहां से भगाया, तो क्या आपको अपने जीवन से, अपने शरीर से शैतान के कामों को नहीं भगाना चाहिए? सही मायने में आपका पाम संडे क्या होगा जब आप अपने शरीर को स्वस्थ तो रखना है, उसके साथ पवित्र रखेंगे, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे। इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है इसीलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, आपका मंदिर, परमेश्वर का जो मंदिर आप स्वयं हैं, अगर वो गंदा है, उसमें पाप है, और उसके बाद आप पाम संडे वाले दिन खजूर की डालियां लेके हिलाएंगे, क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? कभी सोचा है इसके ऊपर? आज किसी को भी इस बारे में बोलो, सब चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का जो उनके अंदर एक आदत था ना, उन्होंने यीशु को ग्रहण करके संसारिक रीति रिवाजों से मन नहीं फिराया है, बस एक परमेश्वर नया मिल गया उनको, है ना। पुरानी आदतें नहीं गई हैं। पहले बहुत सारे त्योहार मनाया करते थे, अब बहुत सारे तो नहीं मिल रहे, 4-5 मिल रहे, कम से कम 4-5 तो मना लें दो। पुरानी आदतें नहीं गई हैं।
इसी परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदलता है क्या चाल चलन आज के टाइम पे? क्या बदलता है? नाम बदल जाता है। सबके नाम के आगे मसीह लग जाता, आगे पीछे मसीही लग जाता है। कोई फला पहले सिंह था, कुमार था, विश्वास था, डॉक्टर था, कुछ भी लगा रखा था, अब लगता है मसीह। ये मसीह, वो मसीह, फलाना मसीह, इधर मसीह, उधर मसीह। नाम बदल लेने से स्वर्ग चले जाओगे, ऐसी गलतफहमी में मत रहना, है ना। नाम बदलना है बदलिए, कोई बुराई नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप नाम मत बदलिए, आप बदलिए, आपका मन करता नाम बदलिए। प्रभु ने भी बहुत लोगों का नाम बदला है, आप भी बदल लीजिए। लेकिन परमेश्वर ने जिन जिन का नाम बदला है बाइबल में है, उन लोगों का जीवन भी बदला है। आपने सिर्फ नाम बदला है, जीवन बदला है क्या? बहुत सारे पास्टर्स को मैं जानता हूँ, उनके व्यक्तिगत जीवन को भी जानता हूँ, जिन्होंने नाम बदल लिया है लेकिन उनका काम अभी तक पुराना स्वभाव वाला है। बड़ा दुख होता है सब सुन के, देख कर कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग आज भी पाप में जीवन बिताते हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हम तो गलतियों को दिखा सकते हैं, न्याय करने का अधिकार तो परमेश्वर के पास है। और अगर पाम संडे से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिएगा। आज थोड़ा सा मैं पाम संडे के ऊपर ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तब तक मैं दो चार और कमेंट आप लोगों का देख लेता हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान नहीं हो सकता, तो क्या हम समझे कि मनुष्य का दुश्मन मौत या शैतान हो सकता है? देखिए, मनुष्य का दुश्मन तो शैतान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग जाए, ये सच्चाई है। लेकिन आज के टाइम में मनुष्य को शैतान इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे से लड़ाने में, है ना, उससे बचना है। ठीक है, ओके। सुधि लेने का मतलब क्या है? सुधि लेने का मतलब होता है हमारा ख्याल रखना या हमारे तरफ ध्यान देना। जब आप मैं आपकी बातों को नहीं सुन रहा हूं तो आप कहते मेरी सुधि लो, मतलब बहुत सारे भीड़ में अगर एक व्यक्ति को अपने तरफ ध्यान केंद्रित करवाना है तो कहता है मुझे मेरी सुधि लो, यानी कि मेरे तरफ ध्यान दो। इसका मतलब ये होता है सुधि का मतलब। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का करिए। अगर आपको परमेश्वर ने व्यभिचार से छुटकारा दिया है तो प्रभु के नाम की महिमा हो। एक लाइन में बताओ गुड फ्राइडे क्या है? एक लाइन में बताऊं तो गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे को लोग ये माना जाता है, गुड फ्राइडे मतलब यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, है ना। तो क्रूस पर जिस दिन चढ़ाया गया तो फ्राइडे का दिन है, इसीलिए उसको गुड फ्राइडे मानते हैं। एक लाइन में बता दिया मैंने आपको, समझ में आया? गुड फ्राइडे मतलब जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया था। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आप गुड फ्राइडे या ईस्टर या पाम संडे को आप मत मानो या ये मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने जीवन को देखो, अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो इन सब को करके आप क्या कर लोगे, ये मुझे बताओ। या हरी जी ने लिख रहे हैं, सही पूरे YouTube में सबसे वचन आपका बात करने के लिए हम तड़प रहा हूं। क्या लिखा है हमारे? देखो, मैंने एक लिंक दिया है टेलीग्राम का लिंक, आप उस लिंक पर जाइए, वहां पर जाकर आप हमें चैटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप के तरह ही होता है, प्ले स्टोर से आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर, तो वहाँ से आप हमें मैसेज करेंगे तो आप जरूर हम आपसे बात कर पाएंगे। या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर हमें वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड लखविंदर जी, प्रेज द लॉर्ड। पबजी कौन है भैया? पबजी तो बैन हो गया था भारत में, ये कौन आ गए? जय मसीह की, हाय। हर एक, हाँ, हर एक मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर है, लेकिन क्या मंदिर बना के लोगों ने रखा है क्या उसको, ये देखना बहुत जरूरी है। गंदगी रहेगा तो परमेश्वर का मंदिर कैसे रहेगा वो? भाई आप थोड़ा बात बोलते हैं, क्या थोड़ा लिखा, क्या लिखा है? तगड़ा बात बोलते हैं। अच्छा, तगड़ा। देखो, तगड़ा बात बोलता हूँ इसीलिए मेरे को तगड़े तगड़े बातें मुझे मिलती भी है। बहुत सारे लोग मेरे को अच्छे से मेरे खानदान तक याद दिला देते हैं, सुना देते हैं बहुत सारे लोग मुझे।
इस तगड़े बात के लिए, लेकिन प्रभु ने जो दिया है वो काम तो करना है। झारखंड से हूँ, मेरा घर नहीं है, इसीलिए बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रेयर ताकि घर बन जाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने घर के लिए परमेश्वर प्रार्थना विषय भेजा है, आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह के अधिकार के नाम से प्रार्थना करता हूँ, इनका घर आप दे पिता परमेश्वर, के उत्तम रीति से घर बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जरूरत को आप पूरा करें, उत्तम रीति से इन्हें घर मिलने पाए, यीशु के नाम में आमेन। मुकेश जी लिख रहे हैं मंगरू राम सा देवी की, और उसके बाद क्या क्या नाम लिखा है अपना, ममता कुमारी शायद। ओके, हम आपसे बात नहीं करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। क्यों भैया, हमसे बात नहीं करके पागल नहीं होना है, यीशु मसीह के बातों को सुनिए। हम तो आज हैं कल नहीं है, मौत का किसे पता, कब परमेश्वर की बुलावा आ जाए चले जाए, तो पागल होने की जरूरत नहीं है। पागल क्यों हो जाएंगे, आपके पास बाइबल नहीं है क्या, आप बाइबल पढ़िए। मैं भी तो वही बात बताता हूँ जो बाइबल लिखा हुआ है, मैं कोई ऊपर से टपका हुआ कोई अद्भुत चीज नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जैसे आप एक इंसान है, मैं भी आपके जैसे नॉर्मल इंसान हूँ। प्रभु ने मुझे ये सामर्थ्य दिया है क्योंकि मैं उसके राज्य में इस्तेमाल किया जाऊं, उसी तरह परमेश्वर आपको भी जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज आपके अंदर दिया होगा, बस ढूंढना है आपको कि परमेश्वर आपसे किस रीति से बात करता है, कैसे आपको चलाना चाहता है। प्रभु पर विश्वास रखिए, किसी मनुष्य पर विश्वास मत रखिएगा, मुझ पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन जो मैं आपको देता हूं उस पर विश्वास करिए। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा देखिए, आप लोग जब लिखते हैं स्पेस वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होता है। आज से कौन सा नियम नियम पालन करने का, मसीह का नियम पालन करने, कोशिश करिए, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, नहीं होता है प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा मांगिए, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया, वो आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा इधर उधर की बातों में मदद नहीं करता। आजकल पवित्र आत्मा को तो कुछ पास्टर लोगों ने, कुछ दास लोगों ने, प्रभु का जो दास कहलाते हैं ना, उन लोगों ने पवित्र आत्मा को अपना नौकर बना रखा है। पवित्र आत्मा इसे ये कर दे, पवित्र आत्मा टच कर ले, फायर गिरा दे, आग गिरा दे, फलाना कर दे, ये कर दे, पवित्र आत्मा को ऐसे ऑर्डर देते जैसे उनका बाप का गुलाम है वो। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है, उस समय विनती करनी चाहिए। आप देखिए आजकल यूट्यूब पर क्या दिखता, बड़े बड़े मिनिस्ट्री को अपने अपने नाम से लोगों ने मिनिस्ट्री खोल रखा है, और उसके बाद लाखों की भीड़ आती है वहां पर, पवित्र आत्मा टच कर ले, पवित्र आत्मा आग गिरा दे, जैसे पवित्र आत्मा को इन्होंने खरीद रखा है, पवित्र आत्मा इनका गुलाम है। इनकी खुद की जिंदगी बाइबल के अनुसार नहीं है, और ये पवित्र आत्मा को ऑर्डर देके काम कर रहे होते हैं। कुछ कॉमन सेंस तो परमेश्वर ने हमारे दिमाग में दिया है ना, जो बाइबल, आप एक चीज सोचिए, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, यीशु मसीह के वचन को नहीं मानता, क्या पवित्र आत्मा उसकी बात सुनता होगा? कॉमन सेंस है इसमें। तो पवित्र आत्मा सहायता के लिए है, तो पवित्र आत्मा से विनती करना चाहिए, ना कि उसे ऑर्डर देना चाहिए, पवित्र आत्मा ऐसा कर दो, पवित्र आत्मा छू ले इसको, पवित्र आत्मा टच कर। अरे पवित्र आत्मा कोई करंट मारने वाली मशीन है जो टच कर करके झटके दे रहे हो? क्या मजाक बना रखा है परमेश्वर के नाम का। ओके, प्रेस द लॉर्ड ब्रदर, प्रेस द लॉर्ड प्रसिला, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में बढ़िए, परमेश्वर के वचन अच्छा लगना चाहिए, वीडियो तो एडिटिंग है, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसमें आता है वो आपको अच्छा लगना चाहिए, और उसके अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है बहन। जय मसीह की। पबजी, जय मसीह की, जय मसीह की। मुकेश जी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना है? बहुत अच्छी बात है जी, आपने जो अपना गवाही लिखा है, क्या लिखा है, ईश्वरी, जो भी आपका नाम है, आपने गवाही लिखा है, परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा। अगर आपने गंदे चीजों को छोड़ दिया है तो जरूर परमेश्वर की महिमा हो, और आगे परमेश्वर के वचन में बढ़े, इन चीजों से दूर रहे, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता मांगता, प्रभु हमें उनके वचन का अनुसार चलना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन चलेगा कौन, और विश्वास भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विश्वास नहीं है तो फिर सब कुछ मरा हुआ है, काम के बिना विश्वास भी अधूरा है, काम करना भी जरूरी है। तो मैं पाम संडे के ऊपर बात करते करते कहाँ पहुंच गया हूँ, देखिए आप, देखिए पाम संडे के ऊपर बात करता हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया था वहां पर, कौन सी घटना हुई थी कि यीशु मसीह ने वहां से डाकुओं का घर बनाने वाले लोगों को निकाल कर बाहर किया था पाम संडे के बाद। मतलब मान के चलिए कल सब पाम संडे मनाएंगे, सब लोग कलीसिया में जाएंगे, खजूर की डालियां लगाएंगे, पास्टरों के पैरों के नीचे बिछाएंगे, चद्दर बिछाएंगे, पास्टरों को परमेश्वर का दर्जा देंगे, पापा जी बोलेंगे, बेटा जी बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। उसके बाद
पाम संडे से लेके गुड फ्राइडे वाले दिन तक, उसके बाद गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर वाले दिन तक, क्या आप वो काम करेंगे जो यीशु मसीह ने किया था? पाम संडे वाले जो भी पाम संडे मनाते, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आप पाम संडे कल मनाएंगे, क्योंकि यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश, विजय प्रवेश है ना, आप उसमें खुशी मना रहे यीशु मसीह का विजय प्रवेश, अच्छी बात है। क्या उस एक सप्ताह में जो यीशु मसीह ने किया है वो आज आप वायदा करते हैं कि आप अपने जीवन में से उसको निकालेंगे? यीशु मसीह ने आपके मंदिर को, अपने मंदिर को पवित्र किया था, आप करेंगे यीशु मसीह के मंदिर को पवित्र? बोलिए, वायदा कीजिए, क्या ऐसा काम आपके जीवन में होगा पाम संडे के बाद? मैंने बहुतों को देखा है 31 दिसंबर की रात को बड़े बड़े वायदे करते हुए, और अगले साल फिर आकर वही वायदे को दोहराते। पहले एक 31 जो होता ना, कई बार बहुत सारे कलीसियों में आपने देखा होगा 31 तारीख रात को, दिसंबर को सब वायदे करते, प्रभु इस साल मैं ये वायदा करता हूँ, नया साल जो तू दे रहा हो परमेश्वर, में ये काम करूंगा। फिर उसी आदमी को अगले साल देखो उसी चर्च में खड़े होकर गवाही देता, प्रभु पिछले साल जो वादा किया था ना उसमें नहीं कर पाया, इस बार पक्का कर लूंगा। ऐसे ही साल दर साल वायदे पूरे नहीं होते हैं, वायदे बदलते जाते हैं, नया वायदा आता जाता है, पुराना वायदा भूलते जाते हैं, और फिर ईस्टर, पाम संडे, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ये सारे करते रहते हैं। क्या ये सही है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। जो चीज़ बाइबल में नहीं है उसके पीछे इतने लोग पागल हो जाते हैं, और जो बाइबल में उसको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझते, है ना। त्यौहार रीति रिवाज बाइबल में नहीं है तो उसको मनाने के लिए दुनिया भर के तगड़म इगड़म तिगड़म लगा देते हैं, लेकिन जो बाइबल में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा काम तो आपको चेतावनी देना है, इस बात का विषय में परमेश्वर आपका न्याय करेगा। क्या हम प्रभु का काम कैसे पूरे करें, मतलब कैसे प्रचार करने, प्लीज़ बताएं कैसे प्रचार करें? मैं कैसे प्रचार कर रहा हूँ? यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए कहा है, मुझे इस तरह का परमेश्वर ने बुद्धि दिया है ताकि मैं इंटरनेट को अच्छे से चला सकूं, अच्छे से मेरे को इसको कंट्रोल करना आता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको परमेश्वर सुसमाचार बांटने का मौका दे सकता, मैं बाहर भी जाता हूं, अलग अलग चर्चों में जाता हूं, मैं अलग उसमें जाता हूं, राज्यों में जाता हूं, जैसे कि मैं रांची, पिछले दिसंबर में रांची में था, पंजाब में गया हूं, यूपी में गया हूं, अलग अलग जगहों पर जाकर मैं सेवकाई भी करता हूं। तो जैसे जैसे सुसमाचार बांटने का मौका आपको मिलता है, बांटिए। सुसमाचार बांटने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुसमाचार हम सबको बांटना चाहिए। आप अपने परिवार के लोगों को सुना सकते हैं सुसमाचार, अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे वीडियोज है उनको उन तक पहुंचा दीजिए, कम से कम उन लोगों तक पहुंच जाएगा तो आप भी एक माध्यम बनेंगे। तो सुसमाचार प्रचार करने के कई तरीके हैं, आपको करना भी चाहिए, यीशु मसीह के बारे में सबको बताना चाहिए। ब्रदर, मैं कर्नाटका से हूँ, प्लीज़ मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना का विषय लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड सर, व्हेन जीसस एंटर द यरूशलेम एंड जीसस टोल्ड ऑल नेशन विल अटैक यू व्हेन हैपन दिस सर। प्लीज़ मुझे थोड़ा हिंदी में दीजिएगा, मैं बहुत तगड़ा हूँ इंग्लिश में, माफ़ी चाहता हूँ। अगर हिंदी में लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है महेश जी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस कारण से मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन उसका हिंदी निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रभु ने इतना बुद्धि दिया है कि अनपढ़ होने के बाद भी कई सारी चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप मुझे बता देंगे लिखे तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं देखता हूँ उसका हिंदी क्या निकलता है। सभी राष्ट्र पे शायद हमला करके कब होगा? देखिए, अभी से शुरू हो गया, परमेश्वर के आने के पहले जो चिन्ह होने वाला वो सारे चिन्ह दिखाना, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने से पहले बहुत सारी बातें होंगी। आज अगर आप दुनिया में देखें, ये सारी बातें जो हो रही हैं यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह ही तो है। ये सब घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन पहले कितनी होती थी, बहुत गिने चुने होती थी, लेकिन आज डेली आप कुछ ना कुछ नया देख रहे होते हुए। बीमारियां रोज नहीं आ रही हैं, पहले भूकंप एक आध दिन महीने में एक आध बार, साल में एक आध बार होता था, आजकल तो रोज 4-5 बार हो रहा है। पहले देश देश के ऊपर जो चढ़ाइयाँ होती थी कभी कभी, आज देखिए हर पूरे दुनिया में कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी के विरुद्ध रोज लड़ाई कर रही है। तो ये सारी घटनाएं आज व्यभिचार देखिए कितना बढ़ रहा है, कैसे मसीह लोग भटक रहे हैं, ये सब कुछ ये दिखा रहा है, ये ज्यादा होने से ये दिख रहा है कि यीशु मसीह का आगमन कितना जल्दी है। ठीक है, ओके। तो पाम संडे मनाइए, लेकिन देखिए आपके जीवन में पाम संडे का मतलब क्या है। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलते तो पाम संडे का कोई मतलब नहीं रह जाता आपके जीवन में। ओके, पाम संडे से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिएगा, ईस्टर पाम संडे किसी से भी। समय आएगा तो जरूर देख पाएंगे, अभी थोड़ा सा
हमारा जो चैनल है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये सारा सेटअप वीडियो वगैरह का नहीं है, तो जैसे परमेश्वर वीडियो वगैरह का सेटअप का देगा तो वीडियो वगैरह में भी हम देखेंगे, अभी ऑडियो में ही है, तो जब वीडियो का होगा तो देख लीजिएगा। हमको आपका वीडियो अच्छा लगता सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपका आशीष दे। सर मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे आंखों देखी, क्या लिखा है, क्या लिखा है आपने कि कृपया मेरे आंखों लिखा ना, आंखों देख नहीं पाता हूं, अच्छा आंखों से शायद देख नहीं पाते, उसके लिए प्रार्थना करना है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर इनकी आंखों की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रभु मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनकी आंखों का हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो और ये अच्छे से देखे प्रभु, इन्हें छुए और चंगाई दे पवित्र आत्मा, मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हरीश जी लिख रहे, आपके बात बोलने का तरीका ठीक लगता है, हमारे अंदर खुशी मिलती है हमको, हम आपको अपने गांव बुलाता हूँ, आपको आओगे? देखिए हरी जी, गांव बुलाते हैं आएंगे, कोई बुराई नहीं है, किस काम से बुलाएंगे ये भी बताइए, प्रभु का अगर काम है तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर है तो ज़रूर आएंगे। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, फिर हम अपने टेलीग्राम पे या जैसे भी हम आपसे बात करेंगे और जैसा भी होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आप चाहते हैं हम वहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन को बांटें तो ज़रूर हम करेंगे। तो टेलीग्राम आप इस्तेमाल करते हैं क्या? आदित्य जी लिखे, जय मसीह की, जय मसीह की। अब जी लिखे, मैं पढ़ना चाहता हूँ बाइबल पर मैं पढ़ नहीं पाता, कारण क्या है, आपको पढ़ना नहीं आता है या कोई और कारण? कारण भी लिखिए। ब्रदर पाम संडे में क्या क्या करते हैं? पता नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं करता, पाम संडे में मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और जैसा नॉर्मल संडे बाकी संडे में करता हूँ वैसे ही करता हूँ, आराधना करना, परमेश्वर को महिमा देना, बाइबल से पढ़ना, वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाना, है ना, बाइबल का अध्ययन करना, यही सब करता हूं। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खजूर की डालियां ढूंढने जाऊं, है ना, उतने टाइम में मैं अच्छे से बाइबल को पढ़ लूंगा, तो खजूर की डाली वाली ढूंढने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो क्या क्या करते हैं ये तो मुझे आपको पता होगा अगर आप करते होंगे, बट मैं प्रभु के वचन में पढ़ता हूँ, परमेश्वर के वचन में चलता हूँ, मैं यही सलाह दूंगा, आप भी प्रभु के वचन पढ़िए, प्रभु के वचन में चलिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रसिला जी लिखे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड दूसरा जरूर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन बहन के पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके पारिवारिक जो भी समस्या है प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु के अधिकार के नाम से, और आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप इनके जीवन में कार्य कीजिए, इनके पारिवारिक जीवन टूटने वाली परमेश्वर हर एक बात है, शैतान के हर एक चीजें टूट जाए यीशु के अधिकार के नाम से, और इनके घर में परमेश्वर एकता है यीशु के अधिकार के नाम में, आमेन। ओके, और किसी का कोई सवाल है? देखिए एक सवाल पूछा है आपने ईश्वर जी, जो ईश्वरी जी कि इस दुनिया का अंत होने से पहले क्या जो मूसा या क्या लिखा है एलिया आएगा? देखिए बाइबल में साफ रीति से लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति स्वर्ग से आएंगे और वो सुसमाचार सुनाएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन उनके मुंह से सुसमाचार आग जैसा निकलेगा जिसके कारण लोग उनको पकड़ेंगे मारेंगे और उनकी लाश जो 3 दिन तक रहेगी। तो बाइबल के अनुसार मूसा है, मूसा के बारे में तो हमको पता है। देखो भैया मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा मूसा आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन दो लोग तो आएंगे, और अगर बाइबल में देखें दो, देखो इंसान का वचन में लिखा है मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो बाइबल में ऐसे दो लोगों के विषय में हम देख पाते हैं जिनकी मौत नहीं हुई है। पहली चीज जो है एक एलिया के बारे में हम देख सकते हैं, एलिया की मौत, एक हानोक के बारे में वो लोप हो गया था, वो दिखाई नहीं दिया,
परमेश्वर ने इसे स्वर्ग में उठा लिया। और लेकिन मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि मूसा की मौत हुई थी, ठीक है ना, इस बारे में बाइबल बताती है। तो मूसा आएगा इसके कोई प्रमाण नहीं है। एलिया हानोक हो सकते, ठीक है, राजनाथ जी। हम और राजनाथ जी क्या लिख रहे हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करें और वचन सिखाने के बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपका। और आगे ओके ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद होने के लिए भी आपके लिए धन्यवाद। ठीक है, हम प्रार्थना कर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति हो प्रभु, जैसा आप चाहते उस प्रकार के जीवन होने के लिए पिता आप सहायता कीजिए। आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आशीषित रहे, आमीन। सरकारी जॉब के लिए प्रार्थना कर दीजिए जी, जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी आपके जीवन में है परमेश्वर, प्रभु इनके जीवन की हर एक जरूरतों को इनके लिए उत्तम जॉब यीशु मसीह के नाम से मिले प्रभु, जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए, आमीन। एक बहन है, शायद उन्होंने लिखा है, मेरे हस्बैंड मुझे प्रेयर करने नहीं देते हैं, ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर इन बहन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में इनके हस्बैंड के द्वारा जो भी परमेश्वर रुकावटें हैं आपके वचन में बढ़ने से पहले परमेश्वर जो भी ये रोक रहे हैं पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, इनको प्रार्थना करने के लिए सहायता करें यीशु के अधिकार के नाम से प्रभु, हर एक बंधन टूटे प्रभु, ये प्रार्थना में मजबूत है, इनके पति का मन बदले और वो भी आपके वचन के अनुसार चले, आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें यीशु के नाम में, आमीन। मेरे को पढ़ना नहीं आता, ये तो मेरे भैया पढ़ लिख कर भेज रहे हैं। ओके ठीक है, आपको पढ़ना नहीं आता तो ऑडियो बाइबल आप लोग ले सकते हैं। आप ऑडियो बाइबल अगर आप चाहेंगे तो आने वाले टाइम में हम अपने चैनल में भी ऑडियो बाइबल देखेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो आप YouTube पर जाकर ऑडियो बाइबल सर्च करेंगे तो आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगा, आप सुनकर बाइबल को सुन सकते हैं, बाइबल को पढ़ने की जरूरत है सुन भी सकते हैं। तो उसको अपने भाई हैं जो भी आपके लिख रहे हैं उनसे बोल दीजिएगा YouTube पर या प्ले स्टोर पर जाकर ऑडियो बाइबल सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको सुन सकते हैं। ओके और किसी का कोई सवाल है, रेवलेशन 13:16 के बारे में समझाएं पास्टर जी। रेवलेशन 13:16 में क्या लिखा हुआ है उसको जरा देखा जाए, फिर मैं बात करूंगा कि उसको अभी बोलना है कि नहीं। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप जो 13:16 पढ़ रहे हो वहाँ पर 666 के बारे में लिखा हुआ है। तो सिंपल वहाँ साफ साफ लिखा है, उनमें से छोटे धनी कंगाल स्वतंत्र दास के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी गई। देखिए एंटी क्राइस्ट के द्वारा ये होगा, है ना, कि उनको छोड़कर जिस पर भी अर्थात पशु का छाप नाम या नाम उसके नाम के अंक है अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ऐसा समय आएगा जब आप शैतान, इस संसार के लोगों को शैतान के कंट्रोल में इतना तक कर दिया जाएगा कि उस शैतान की इच्छा के बिना कोई कुछ खरीद भी नहीं पाएगा, कोई बेच भी नहीं पाएगा। इसीलिए भैया पवित्र जीवन जियो, यीशु मसीह जब आए तो उसके संग स्वर्ग चले जाना, तो इस पृथ्वी पर मत रहना, इसलिए पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। ये सब होगा और ये सब की तैयारियां चल रही हैं। हरीश शर्मा जी लिख रहा है, नहीं पास्टर जी, किस चीज के लिए आपने नहीं पास्टर जी लिखा जरा मुझे बताइए, नहीं पास्टर लिखा आपने, शायद मुझे लग रहा है आप टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, टेलीग्राम नहीं है। ठीक है, मुकेश जी क्या लिख रहे हैं, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। ओके
और किसी का पाम संडे से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ लोगों का प्रार्थना का विषय है, मैं देख लेता हूँ जल्दी जल्दी। प्रार्थना का ईश्वर जी ने लिखा है, क्या प्रार्थना है आपका? देखिए गंदे वीडियो देखते से छोड़ दीजिए ना, प्रार्थना करिए। इसमें क्या प्रार्थना मैं आपके लिए करूँ, है ना? आपको छोड़ना पड़ेगा उसमें। और मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको समझ दे। आपके बुद्धि में पता है कि वो गंदा है तो उसको छोड़ना है आपको। आप खुद घुटने पर बैठिए, आपके व्यभिचार के, आपके पाप के लिए मेरे प्रार्थना करने से नहीं होगा, आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। मेरे बोल देने से आप छोड़ दोगे क्या? आपको खुद एक निर्णय लेना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के सामने बैठना है कि प्रभु मैं ये चीज नहीं करना चाहता, मुझे सामर्थ्य। देखिए सबसे बड़ी मसीहों में कमजोरी क्या आ गई है पालम? देखिए हमें दूसरों से प्रार्थना विषय मांगना कोई गलत नहीं है, लेकिन हम खुद भी परमेश्वर के सामने बैठे और अपने अंदर से ये भाव निकाल दे कि हमारे लिए अगर कोई प्रार्थना करेगा तो होगा। यार सामने वाला पास्टर हो, कोई भी हो, उसमें सामर्थ नहीं है। सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। यदि आप घुटने पर आकर प्रार्थना करते हैं तो वही काम जो पास्टर के प्रार्थना से हो तो उससे अधिक काम आपके प्रार्थना से होगा। आप मांगिए तो सही, ऐसे निर्भर मत हो जाइए किसी पर कि कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ भी प्रार्थना करूंगा, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आप उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आपके जीवन में कोई भी फल नहीं मिलेगा, मेरा प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा। मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन फिर भी आपको खुद घुटने पर आकर उस चीज को छोड़ना, उसके लिए प्रार्थना करना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप इनको सामर्थ दीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर एक प्रार्थना का जीवन दीजिए, और अपने जीवन में से हर एक पाप को निकालने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना करिए। भाई सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट में नहीं चलेगा काम क्या? आजकल सबको सरकारी नौकरी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सांसारिक बातों के लिए मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मेरी एक खासियत है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो। लेकिन संसार के अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना से ज्यादा है कि आप पवित्र जीवन जी। जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, आपका परिवार पालने का काम परमेश्वर का है, वो पालेगा। नौकरी जो आपके लिए उत्तम हो वो यीशु मसीह के नाम से मिले, सरकारी मिले या प्राइवेट वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो आपके लिए चाहिए परमेश्वर की ओर से वो होने पाए। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन जो सत्य है मैं उसी की बात करता हूं। माफी चाहता हूं अगर मेरी बातों से आप लोगों में से किसी को भी बुरा लगता हो। मेरे घर के शांति के लिए प्रार्थना करें, और मेरे बेटे बीमार हैं उसके लिए प्रार्थना, प्लीज प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इनके परिवार के शांति के लिए, इनके परिवार के हर एक दुख दर्द के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके जीवन में, इनके परिवार में यीशु मसीह के नाम से शांति आए। इनके बेटा जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो, और प्रभु जी पूरी रीति से सुरक्षित हो यीशु के अधिकार के नाम में, आमीन। आहा, अब एक मैं एक बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ, ठीक है? बुरा लगेगा तो लग जाए, मैं बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ। जो भी है, जिन्होंने भी ये लिखा है, अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी मीटिंग कराएंगे, आप जरूर आना। मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आऊँगा मैं आपको बता देता हूँ। आप परमेश्वर को रिश्वत दे रहे हैं क्या? ये कहाँ से आदत आई है? पुरानी चीज अभी भी आपकी नहीं गई है। आज पहले भी पुरानी चीज़ों में क्या होता था, हम ये कहते थे अगर ऐसा हो जाएगा तो ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, ऐसा हो जाएगा वो करेंगे। वो आदत आज भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। प्रभु को रिश्वत देना चाहते हैं क्या? ऐसी चीजों के लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होता हूं। आप अपना जीवन बदल लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप प्रभु को घूस देकर कुछ नौकरी पाना चाहते हैं तो मेरे पास इस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप परमेश्वर को घूस दे रहे हैं कि अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप उसको अच्छे मीटिंग कराएंगे। आपके मीटिंग से परमेश्वर का क्या सिंहासन ऊंचा हो जाएगा? बुरा लगता है तो लगे, लेकिन जो सच्चाई बता रहा हूं, प्रभु के सामने हमें नम्र होकर आना है, दीन होकर आना है। हमें बहुत बड़ा अमीर आदमी बनके या उसको घूस खिलाने के लिए नहीं आना। हमारा परमेश्वर आपके आपके मीटिंग के लिए नहीं बैठा हुआ। अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको देगा, अच्छी नौकरी देगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर को घूस देना बंद करिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब इस तरह का कोई बात करता है। तो अगर आप अनजाने में कर रहे हैं, आपसे गलती हो गई है, तो मैं उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु में मजबूत है, परमेश्वर के पुराने लोग हैं, अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल
अगर परमेश्वर के आपसे गलती अनजाने में हो जाती है, परमेश्वर माफ करता है, लेकिन बार बार गलती अनजाने में नहीं होती। कई बार लोग जानबूझकर गलतियों को दोहराते हैं, तो बार बार गलतियों को दोहराएंगे तो माफी नहीं मिलेगी, लेकिन अनजाने में कोई गलती हो गई है तो परमेश्वर माफ करता है। लेकिन याद रखिए, दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर की जो भी सेविका है आपके जीवन में, उसके लिए परमेश्वर आपको मदद करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इनके जीवन के लिए। प्रभु ये जो चाहते हैं पिता, जिस प्रकार से ये परमेश्वर कहते हैं कि आपकी सेवा के लिए प्रभावशाली सेवा करना चाहते हैं, पिता मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। और जो आपकी इच्छा इनके जीवन में, वो यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। प्रभु आपकी सेविकाई के लिए आप इन्हें परमेश्वर बल और सामर्थ्य प्रदान करें, यीशु के नाम में आमेन। मुकेश जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताइएगा क्या मेरी बातों का आपको बुरा लगा है। देखिए, बुरा मत मानिए, अगर मैं आपको चेतावनी नहीं दूंगा तो शायद आप फिर गलती करेंगे, तो ये जरूरी है आपको चेतावनी देना। ब्रदर अभी नंबर क्यों नहीं दे सकते, आपको पता है ना आजकल नंबर देना मतलब कि कैसे नंबर दे देंगे, नंबर से फिर बहुत परेशान हो जाते हैं आपको, फिर मेरे पास फिर वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिलेगा, सब कॉल पे कॉल करेंगे, और किसी का कॉल आए ना उठाए ये भी गलत है, किसी का प्रार्थना का विषय है उस समय मैं प्रार्थना ना करूँ ये भी गलत है। तो हमने ये चीज़ अभी, ये हमारा जो यूट्यूब का, हमारे इस चैनल का लिंक है आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम का, आप उस पर जुड़िए, व्हाट्सएप पर जाइए, टेलीग्राम आप अपना ऐड करिए, सॉरी प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम अपना डाउनलोड करिए और वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर का भी देखेंगे, अगर आप टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो आप टेलीग्राम से डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हैं। सर पाम रीफ क्यों लीव क्यों लिया गया है, रिव्यू पाम लीफ क्यों लिया गया? देखो बाइबल में नहीं मालूम क्यों लिखा नहीं है क्यों लिया गया है, लेकिन जो हिस्टोरियन बताते हैं कि इसराइल में वहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत होते हैं और खजूर की डालियों को लेकर बिछाया था, क्योंकि वो उनके लिए एक इज्जत दे रहे थे कि उनके सामने एक खजूर की डालियों से मतलब महिमा के दर्शाता है वो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक महिमा, उन्होंने कपड़े भी बिछाए। देखिए पाम लीफ के अलावा उन्होंने कपड़े भी, अपने कपड़े भी बिछाए, यानी कि एक इज्जत दे रहे थे उनको, है ना, उस चीज को दर्शाया जाता है, क्योंकि वहां पर खजूर के पेड़ बहुत थे इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया, खजूर की डालियों को इस्तेमाल किया गया है। एक उदाहरण आप समझ जाइए उससे। पाम संडे क्यों मनाते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है और मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन लोग जो करते हैं उसका मतलब यही है कि वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आया था, क्योंकि उससे पहले भी यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं, है ना, बचपन में भी वो यरूशलेम में आए थे, आपको पता है ना, जब उनके माता पिता यानी कि जो सांसारिक माता पिता के साथ भी आए थे 12 साल की उम्र में, तो ये पहली बार यरूशलेम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस समय जब आते हैं इसके बाद दोबारा यरूशलेम से बाहर नहीं जाते, उनकी मौत होती है इस वजह से, तो ये पाम संडे इसलिए मनाते हैं कि यीशु यरूशलेम में आया। तो बाइबल में इसमें लिखा नहीं है, मनाओ नहीं मनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र जीवन जीना जरूरी है। अमर जी लिख रहे हैं मेरे भाई बहुत बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करती, जरूर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इनके भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, यीशु मसीह के अधिकार के नाम से उनकी हर एक बीमारी दूर हो, उन्हें चंगाई मिले, यीशु के अधिकार के नाम से पूरी रीति से ठीक हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिप्लाई करके प्रार्थना विषय दिया, उसके लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन जो भी मैंने बात कही है सर उसके लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको समझाऊं। हम परमेश्वर को कभी भी रिश्वत ना दें, या प्रभु को हम ये ना कहें कि तू मेरे जीवन में ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा, इससे हम परमेश्वर को छोटा बनाते हैं। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा शायद टाइट होके बोला है, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब यही था कि आप आगे से ऐसा ना करें। ठीक है, मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा आपके परिवार के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, ये पढ़ने लिखने में परमेश्वर और भी आगे बढ़े, बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य से भरे, प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन जिए, परिवार यीशु मसीह के नाम से आशीषित परिवार हो, इनके जीवन में यीशु मसीह की महिमा हो, आमेन।
देखिए यरूशलेम में यीशु मसीह का अटैक होगा, हो चुका है भैया। यरूशलेम मंदिर को तोड़ दिया गया है बेबीलोन के राजा के द्वारा। नबूकदनेस्सर राजा ने पूरा बेबीलोन को जलाकर राख कर दिया था, गुलामी में ले गए इजरायलियों को, उस समय भी तोड़ा गया था। और आज भी आप अगर देखेंगे तो यरूशलेम में जो मंदिर था उस मंदिर को ढा दिया गया है ना। रोमी साम्राज्य के लोगों ने पूरा खत्म कर दिया था, रोमियों के टाइम पे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बाद पूरा मंदिर बर्बाद कर दिया गया है। और अभी सिर्फ एक दीवाल बचा हुआ जिसको आप देखते जो इजराइल में उस दीवाल के पास यहूदी लोग जाकर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो मंदिर टूट चुका है। क्या हम फास्टिंग के टाइम पे पानी पी सकते हैं? देखिए फास्टिंग के टाइम पे पानी पीना नहीं पीना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पानी पीकर फास्टिंग रखते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं पीते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपकी बॉडी के ऊपर आपका शरीर किस लायक है, क्या आपका शरीर बिना पानी के रह सकता है? तो आप रह लीजिए, फास्टिंग करें या बिना पानी के। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर उसमें भी दिक्कत, इसीलिए पानी पीकर भी रहने से कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, पानी जाना। देखिए खाना पीना छोड़ना उपवास में इसका एक कारण होता है, ऐसा ही नहीं कि हम उसको जानबूझकर छोड़ रहे। खाना पीना छोड़ना मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भोजन करने जाए, प्रभु हम तो आपकी संगति में बैठना चाहते हैं। तो पानी पीने से कोई बुराई नहीं है, आप पानी पीजिए, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, मैं बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स को लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ बीच बीच में। मेरे को थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाता है इससे। बात सिंपल है कि वचन का ज्ञान इसलिए सी बातें करते हैं, कोई बात नहीं, वचन का ज्ञान समझाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। योना 32वां देने वाले को जेल में क्यों डाला गया था? भैया जेल में योना 32वां देने वाले को इसलिए डाला गया था क्योंकि हेरोदेश के बारे में वो बोल रहा था, उसकी कमियों को दिखा रहा था, इसलिए उसको उठाकर जेल में डाल दिया था। देखिए अच्छी यहाँ पर आपने पूछा यूहन्ना 32वां देने वाले के बारे में कि उन्हें 32वां दिया और कबूतर के समान परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह से उतरी, और यूहन्ना ने फिर से पूछा कि आपको किसी और के इंतजार कर ऐसा क्यों है। देखिए एक चीज देखिए कि भविष्यवाणी की गई थी, क्या भविष्यवाणी की गई थी कि वो जो परमेश्वर का पुत्र आएगा वो क्या करेगा, बीमारों को चंगा करेगा, दूसरे के रोगों को ढा देगा, ये सब करेगा। लेकिन वहां पर यूहन्ना कन्फर्म कर रहा था उस चीज को कि क्या यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना किसके अंदर था, जेल में था, और जो बाहर चर्चा हो रही थी वो उसको ये नहीं पता था कि वो चर्चा उसी यीशु के बारे में हो रही है जिसको उसने 32वां दिया था कि नहीं। इसीलिए उसने अपने चेलों से जाकर कहा कि पूछो जाकर कि तू वही है कि नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे थे, हम किसी और का इंतजार करें, क्योंकि यूहन्ना ने जब 32वां दिया तो उसके बाद उसको जेल में, बाद में जेल में डाल देता, और ये सवाल वो जेल में रहते हुए पूछता है। तो चेलों से जाकर जब उससे पूछता है यीशु मसीह का, जाके उनसे कहो लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, इसको बोलने का यूहन्ना को विश्वास हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने 32वां दिया था। तो सिंपल कन्फ्यूजन दूर है इसमें, यूहन्ना जेल में था इस वजह से वो कंफर्म कर रहा था कि ये जो शोर शराबा बाहर हो रहा है ये वही यीशु है कि नहीं है जिसको मैंने 32वां दिया था। ठीक है, क्या हम गेम खेल सकते हैं? कौन सा गेम? देखिए गेम खेलना कोई बाइबल में पाप नहीं है, आप इंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट, गिल्ली डंडा बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, गलत नहीं है, गेम वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन उसमें आदि नहीं होना है, थोड़ा बहुत समय आप देते हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन गंदी चीज़ें नहीं करनी है, दिन भर उसी में नहीं लगा रहना है, प्रभु के वचन में भी बढ़ना है।
यीशु मसीह क्यों गधे से यरूशलेम में आए थे? देखिए, ये तो यीशु मसीह बताएगा, मेरे को अभी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल बोलते हैं कि इससे हमारा उद्धार से कोई रिलेटेड नहीं है। यीशु मसीह गधे पे आए हैं। जहाँ तक गधे की बात करते हैं तो बहुत सारे जगहों पर गधे को बाइबल में महत्व दिया गया, गधे के द्वारा परमेश्वर ने बातें कराई, गधा इंसानों की तरह बात भी किया है। तो गधे का भी एक स्वभाव देखा यीशु मसीह के वचन में। हम ये भी समझ सकते हैं कि जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती उसको परमेश्वर बहुत कुछ समझता है। शायद हम भी एक गधे हैं, हम भी दुनिया के नज़र में कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और हमें इतना बड़ा बनाया, परमेश्वर ने दुनिया में उठाया, हम गधों को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है उसका भी उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है, हरीश जी, परमेश्वर आपको आशीष दे। और विजय जी लिख रहे हैं, इनकी पत्नी घर में प्रार्थना होता है सुबह 4 बजे 3 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपको मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को संभाले, आशीष दे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर चैनल छोड़ देते हैं, वीडियो देखना छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा, नहीं तो परमेश्वर के वचन से आप दूर हो जाएंगे। देखिए, जो यीशु, अनिल जी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है जो मसीह में विश्वास के साथ जीवन जीना चाहता है अवश्य है कि वो सताया जाएगा। आपके शत्रु तो शैतान बनेगा ही बनेगा, दुनिया आपके शत्रु बनेगा, शत्रु से आप बच नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए मत प्रार्थना करिए कि मेरा शत्रु कोई बने ही ना। आप किसी के शत्रु मत बनिए, आपके तो बहुत सारे शत्रु बनेंगे। आप ऐसा कोई काम मत करिए कि किसी को अपना शत्रु बना लें, ये हो सकता। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे कि आपके जीवन में इतनी समझ हो कि आप किसी से लड़े झगड़े ना, लेकिन दुनिया आपके विरोध में जरूर आएगी और आप बचे रहें हर एक पाप से, यीशु के नाम में, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं इसलिए मेरे को रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। मनीराम जी, आपने शायद YouTube पर कोई सवाल पूछा था, क्या लिखा है राहुल जी आपने, क्या तेरा ही, मैं समझ नहीं पाया ये क्या लिखा, कनाउटा खा सकते हैं क्या, है ये कनाउटा? मुझे पहले ये समझ में नहीं आया, तेरा कनाउटा खा सकते हैं क्या, ये कनाउटा, कनाउटा क्या होता है, सही से लिखिए उसको। देवेंद्र भाई, जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करिए, यीशु मसीह ने किसी जानवर के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया और बाइबल में किसी ने भी किसी जानवर के लिए प्रार्थना नहीं किया है। लेकिन हम किसी व्यक्ति के परिवार में, उसके घर में अगर कोई जानवर है, क्या है, हम उसके परिवार की सहमति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके घर के जो भी धन दौलत है। देखिए, जो जानवर होता है इंसान का, एक तरीके से वो उसका धन है ना, उसकी संपत्ति है ना। पुराने समय में अब्राहम मूसा के टाइम पे भेड़ बकरियाँ गधे घोड़े ये संपत्ति हुआ करती, अय्यूब के समय में संपत्ति हुआ करती थी। तो हम उनके परिवार के जो भी संपत्ति उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आशीष दे और बढ़ाए, अच्छी बात है। लेकिन किसी जानवर के लिए प्रार्थना के विषय में बाइबल में तो नहीं लिखा, इंसान के लिए, क्योंकि जानवरों की आत्मा नहीं होती है, उनके मरने के बाद उनको कहीं कोई हिसाब किताब नहीं देना। वो इसी दुनिया में जैसे एक मशीन बनाई जाती है, फोन, मान लीजिए मोबाइल फोन है, उसको बनाया
मोबाइल फोन खराब हो गया, फेंक दो, उसका कोई मतलब नहीं, उसको किसी नया ले लो। ऐसे ही करके है जानवरों का, इस पृथ्वी में रहना, खाना, जीना, मर जाना, उसके बाद उनका और कोई काम नहीं। तो जानवरों के लिए प्रार्थना करने के विषय में बाइबल में नहीं लिखा हुआ। तेरहवीं का दावत खा सकते कि नहीं? बिल्कुल नहीं खा सकते भैया। क्यों खाओगे तेरहवीं का दावत? सबसे पहली चीज किसी मरे हुए चीज के लिए है, और दूसरी तेरहवीं का मतलब पता है क्या होता है? उस इंसान की आत्मा की शांति के लिए। देखिए, हम किसी की आत्मा की शांति के लिए जिंदा रहते हुए उसके लिए प्रार्थना कर सकते, मरने के बाद नहीं। मुर्दे का खाना खाने के लिए नहीं खा सकते, मसीह होकर नहीं खा सकते। बाइबल में लिखा है मनुष्य के खैर पवित्र पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, इसका अर्थ क्या है? बाइबल का पूरा वचन बताइए, ऐसे छोटा सा पढ़ के नहीं बता सकता। कुत्ते के बारे में दो तीन जगह पर लिखा हुआ है, तो कौन से आयत से पढ़ रहे हैं वो बताइए, ताकि उसके आगे पीछे पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। एक जगह पर लिखा है कि मनुष्य की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाल सकते, स्त्री से यीशु मसीह कहता, वो स्त्री कहती सही कहते हो प्रभु, लेकिन कुत्ते भी अपने स्वामी के चूर मेज से गिरे हुए चूर चार को खाता है। तो इस तरह कई सारा वचन है, वचन बताइए, फिर वचन पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है देवेंद्र भाई, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, देवेंद्र भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आपके नाम के निमित्त उनके बिजनेस में प्रभु आप कार्य कीजिए, उनका बिजनेस उत्तम हो, यीशु के अधिकार के नाम में अच्छे से बिजनेस होने पाए, और आपकी महिमा उनके जीवन में, यीशु के नाम में, आमीन। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा अपने उंगली को दबाइए सब्सक्राइब बटन पे, और अभी तक लाइक भी नहीं आया, बड़े दुख की बात है कि लाइक नहीं आता। इसकी वजह से चैनल में जो वीडियो डाल, ये वीडियो ना प्रमोट नहीं होगा, यूट्यूब को लगेगा वीडियो में दम नहीं है, वो प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए जितने लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया, दबाइए जरा। अभी 42 लाइक है, देखते हैं कितने लाइक बढ़ सकता है, कम से कम 20 लाइक तो बढ़ाइए, 62 करिए, 33 लोग हैं, अगर 33 लोग मिलकर लाइक कर देंगे तो 62 तो हो ही जाएगा। क्या डाउनलोड करना है ब्रिजेश मशी, बताइए जरा क्या डाउनलोड करवाना चाहते हैं। ओके, हालेलुया। नहीं, कोई नहीं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक। लाइक तो दो तीन लोगों ने कर लिया है, सब्सक्राइब तो किसी ने नहीं किया। चलिए ठीक है, ओके। तो पाम संडे के ऊपर जो बातें थी मैंने आपको बताया, कल पाम संडे है, तो पाम संडे में जब जाएंगे चर्च में आप लोग अपना त्यौहार मनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्रभु का वचन समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए, उसके इच्छा के अनुसार चलें, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने जीवन से पाप को दूर करिए, यीशु मसीह के नाम से चलिए, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलिए। हरीश जी, बात करने के लिए वही एक माध्यम है आपका, आप उसको डाउनलोड करिए। अभी हमारे मिनिस्ट्री का कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम अभी आपको नंबर कैसे दे दें, अभी मिनिस्ट्री का कोई नंबर हमने अभी तक इशू नहीं किया है, ठीक है। अगर आप इंस्टा, आप अपना व्हाट्सएप पे जाकर, सॉरी बार बार प्ले स्टोर पर जाकर आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक हमसे मिल जाएगा। उसके बाद हम, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, किसी भी वीडियो के नीचे आपसे बात करने के लिए। या आप एक काम कर सकते हैं, कैसे मैं आपको समझाऊं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर जाकर आप हमें मैसेंजर पे द्वारा मैसेंजर भेजिए, मैं आपको फेसबुक का पेज का लिंक दे देता हूं आप सभी को,
आप सभी लोग हमारे फेसबुक के पेज का लिंक ले लीजिए और फेसबुक पेज को सभी लोग जाकर फॉलो करिएगा, और उसके बाद आप वहां से हमें एक सेकेंड है, वन मिनट, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। फेसबुक पेज का जो हमारा ये लिंक है मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग इस पे जाइए। अगर हरीश जी आप फेसबुक चलाते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे फेसबुक पे चले जाएंगे, वहाँ पर मैसेंजर में जाइए और मैसेंजर के थ्रू आप हमसे अपना नंबर हमें भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा मैसेज मिल गया है हरीश जी, तो मैंने ये फेसबुक का लिंक आपको दिया है, facebook.facebook.com आने वाला है, आप इस फेसबुक पर जाइए और जाने के बाद आप वहां से हमें मैसेज करिएगा तो हम आपको अपना नंबर डालिएगा, हम आपको कॉल बैक करेंगे। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो बताइएगा। जरूर अनिल जी, परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान दे, जो भी आपको गाली देता है आप उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनके बुद्धि को बदलेगा और यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में कार्य होगा। जो आपके बारे में गलत करता है आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनके मन को बदलेगा, आप उनसे बदला मत लीजिए। मत्ती 7 का 6 का अर्थ क्या है? मत्ती 7 का 6 का अर्थ बताइए, वचन शेयर करिए क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा। मत्ती 7 का 6 का अर्थ क्या है? देखिए, कुत्तों की एक आदत होती है। यहां पर एक चीज क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे दूसरों पर दोष लगाने के बारे में लिखा हुआ, पूरा पढ़िएगा उसको, सिर्फ एक वचन मत पढ़िए, मत्ती 7 का 6 मत पढ़िए आप, लेकिन मत्ती 7 से 1 से लेकर 6 तक पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सुअर का काम क्या होता है, कुत्ते का काम क्या होता है। सुअर का काम होता है उसके सामने मोती भी डालोगे तो भी वो कीचड़ में लोटपोट करेगा, उसको पैरों के नीचे कुचलेगा। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो खुद उल्टी करके अपनी उल्टी को खा लेता है, तो इसका अर्थ आपको यहां से समझना होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप समझिएगा, पूरा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, इसी में आपका जवाब मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दो हजार 60 तक दुनिया का अंत होगा, ये कहां पर लिखा है? ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 1000 साल बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, समय का पता नहीं है, लेकिन उसका चिन्ह परमेश्वर ने बताया है। पूरा बाइबल आपके लिए है भैया, खाना खाने के समय और बोलने के समय पूरे बाइबल में से पढ़िए। परमेश खाना खाने के समय क्या पढ़ेंगे आप बताइए? इसके लिए स्पेशल कोई वचन ऐसे मैं बताऊं? मुझे तो बहुत सारे वचन पता है, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने खाना खाते टाइम प्रार्थना करिए, प्रभु के हाथों में समर्पण करिए कि परमेश्वर ने आपको भोजन दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, और आप फिर उसके बाद भोजन करिए, सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कोशिश करिए भजन संहिता पढ़िए, एक अध्याय पढ़िए सोने से पहले, परिवार मिलकर उसके बाद प्रार्थना के साथ सोइए, और बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने जीवन में खुद ही एक नियम बनाइए कि मुझे ये वचन पढ़ना है ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बाइबल पूरा आपके पास है, जो आपको अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको पढ़िए और उसके अनुसार जीवन जिए। 32वां लेने का क्या फायदा है? अरे 32वां लेने का फायदा नहीं है, 32वां इसलिए लेना है क्योंकि वो आज्ञा है। 32वां लेने से कोई फायदा नहीं, 32वां लेना जरूरी है क्योंकि वो आज्ञा है। उद्धार तभी पूरा होता है जब आप विश्वास के साथ साथ 32वां लेते हैं, पापों से क्षमा पाकर 32वां नहीं लेंगे आपका उद्धार अधूरा है। तो फायदा होता कि नहीं है, लेना ही लेना है। अनिल जी कोई बात नहीं, जो भी आपके बारे में गलत सोचता मैंने एक ही जवाब आपको दिया, आप परेशान मत हो, प्रार्थना करें प्रभु उसके मन को बदलेगा। उसके बारे में सोच सोच कर आप अपना टेम्परेचर मत बढ़ाइए।
बिल्कुल सही बात है। देखिए बाइबल जो पढ़ता होगा उसको समझ में आ जाएगा। आपने सही बोला है कि जकरिया में उसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं देखो इसीलिए लाइव में ना सारी चीजें बताना मुश्किल होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। भैया ने सही बोला, आप जाइए पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा वहां पर क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक चीज और बता देता हूं मैं वहां पर। देखिए जकरिया में गधे के बारे में नहीं लिखा है कि गधे के गधे पे चढ़ के आने का मतलब क्या है। वहां पर भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह आएगा, यरूशलेम में प्रवेश करेगा, तो वो गधे पे बैठ के आएगा। तो ये मत समझिए कि जकरिया में ये लिखा हुआ है 9:9 में कि वहां पर गधे का मतलब क्या है, मतलब नहीं लिखा। वहां पर ये लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी की गई, जकरिया के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करेगा तो वो गधे पर बैठकर, वरन लादू के बच्चे पर, यानी लादू समझते हैं ना, वरन गधे का बच्चा होता है उसके ऊपर बैठकर वो प्रवेश करेगा। उसकी भविष्यवाणी की गई है उसके आगमन के बारे में, तो वहां पर उसका मतलब नहीं लिखा हुआ है। उसकी भविष्यवाणी जो वहां पूरी की जा रही है उसके बारे में लिखा हुआ है। बाइबल को आप भी थोड़ा पूरा पढ़ लीजिए, सही समझिए। वचन को ऐसे ही कॉपी पेस्ट करने से पहले उसको सही से पढ़ लिया करो कि क्या वहां वचन का मतलब है। आपने जो लिखा है ना कि 9:9 में पता चल जाएगा यीशु क्यों गधे से आया था, यहाँ पर पता नहीं चल जाएगा, यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। यहाँ उसका रीजन नहीं बताया गया है, बताया गया कि वो ऐसे आएगा। आप भी थोड़ा रिसर्च करो। बिल्कुल सही बात है, मैंने वो बताया कुत्तों के आगे और उसके बारे में वहां लिखा हुआ, पूरा 1-6 तक पढ़िए। मत्ती 7:1-6 पूरा पढ़िए। बाइबल की सभी भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हो रही हैं। मुझे पढ़ना नहीं आता है, कौन सा ऐप से पढ़ो पाता हूँ? आप किसी से बोलिएगा कि ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके देगा आपको। ऑडियो बाइबल मिल जाता है इंटरनेट पे, आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करवाइए किसी से अपने फोन में, उसके बाद ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं। देखिए 32 के बिना आप स्वर्ग जा सकते हैं। जॉब भाई 32 के बिना स्वर्ग जा सकते हैं, ये आपका सवाल है। क्या हम 32 के बिना स्वर्ग जा सकते हैं? क्या हम 32 के बिना स्वर्ग, दो जगह लिख दे, ठीक है। देखिए 32 के बिना स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति के बारे में हम एक के बारे में जानते हैं, वो है यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाए गए एक डाकू जिसका उद्धार हो जाता है और वो यीशु मसीह के संग स्वर्ग चढ़ता है, उसका 32 भी नहीं होता है। लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति चलता फिरता है या उसको 32 लेने का टाइम मिला है तो 32 ले। मान के चलिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है और अचानक से उसके पास यीशु मसीह का सुसमाचार जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत बिल्कुल 1 में होने वाली है, उस समय उसके पास यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर कोई दास जाता है और उसे सुसमाचार सुनाता है और वो मौत से 1 पहले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता, तो उसको 32 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे स्वर्ग जाएगा क्योंकि उसको 32 का समय नहीं मिला लेने का। लेकिन आपको और हमें जो 32 लेने का समय दिया गया है, अगर हम नहीं लेते तो ये तो गलत है, फिर तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। जी हाँ, 32 से पहले भी पवित्र आत्मा का वरदान और दान मिल सकता है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब तक 32 नहीं लोगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण कर ही नहीं सकता, ये इस बात को याद रखिए। इसीलिए पवित्र आत्मा मिलता है, 32 लेना जरूरी है, लेकिन ये बोलना कि 32 नहीं लोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बकवास और कुछ नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए मैंने कहा था कि लाइक करिए तो 52 हुए, 10 बढ़ाता, मैंने सोचा 62 हो जाएंगे। ओके
पवित्र आत्मा का दान मिले तो भी प्रार्थना कर सकते, नहीं मिले तो भी हम प्रार्थना कर सकते। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा का जो दान है उसकी जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का दान का मतलब क्या है? आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का दान है आपके ऊपर। प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष सामर्थ्य की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर के सामने किसी के लिए गिड़गिड़ा रहे, यही प्रार्थना है। तो प्रार्थना कर सकते हैं आप, कोई भी प्रार्थना किसी के लिए भी कर सकता है। लेकिन एक चीज रुकिए, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आप जाकर सीधे उसके सर पे हाथ रखो, दुष्ट आत्मा को डांटने लगो। अगर उस समय आपके अंदर पवित्र आत्मा का दान नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, पवित्र जीवन नहीं जीते, तो उल्टा शैतान आपको उठा उठा कर मारेगा। किसी के लिए प्रार्थना करना अलग बात है, लेकिन दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना करने मत जाइएगा बिना पवित्रता के जीवन के। बिल्कुल नहीं, प्रसाद नहीं खाना चाहिए मसीहों के लिए, क्योंकि मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजों को हम नहीं खा सकते, ये बाइबल में मना है। ओके, और कोई सवाल किसी का है तो बताइए। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और किसी का कोई सवाल है? कोई मर जाए तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई मर जाए तो उसको जाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज, किसी के दुख में शामिल होने से हमें परमेश्वर का वचन नहीं रोकता। अगर किसी की मौत हो गई है तो उसके दुख में हमें शामिल होना चाहिए, लेकिन किसी रीति रिवाज में शामिल ना हो। किसी के दुख में जाइए, उसके लिए मदद करिए, उसके परिवार के लिए मदद करिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करिए। और किसी दुखिया के साथ अगर किसी घर में मृत्यु हो रही तो वो दुखी लोग हैं, और ऐसे लोगों के साथ जाना कोई गलत नहीं है, जाना चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके सुख दुख में उनके साथ देना चाहिए। लेकिन उनके साथ सांसारिक बातों में मन ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलगाव का जीवन जीने के लिए कहा है, लेकिन किसी से बैर रखने के लिए नहीं कहा है। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि मसीह लोग किसी के दुख में शामिल नहीं होते, हमें सबके दुख में शामिल होना चाहिए। अगर किसी कोई विश्वासी नहीं भी है, कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता, अगर उसके घर में किसी की मौत होती है तो हमें जाना चाहिए और उनके घर में बैठकर उनके परिवार के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए। किसी के खुशी में आप शामिल होना हो, लेकिन किसी के दुख में ज़रूर आप शामिल हो, लेकिन उनके रीति रिवाजों में शामिल नहीं होना है। मैं भी बहुत बार लोगों की मृत्यु में जाता हूँ, दूसरे के घर में जब मृत्यु हो जाता हूँ, लेकिन जो लोग वो लोग रीति रिवाज करते हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ मैं एक मसीह हूँ, मैं रीति रिवाज नहीं करता हूँ, लेकिन आपके दुख में मैं शामिल हूँ, इसीलिए मैं उन चीज़ों को नहीं करूंगा। तो वो बुरा नहीं मानते, उन्हें पता है कि ये प्रभु में है, ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको भी अच्छा लगता है कि सच्चाई बता के हम चलते हैं। तो जाइए, जिसके भी घर में दुख है तो आप जरूर उनके साथ रहिए। ठीक है, मैंने फिर बोला कि 13वीं हो या 14वीं हो, जो भी है, आपको उसमें नहीं भाग ले, रीति रिवाजों में नहीं भाग लेना है, बट उनके दुख में शामिल हो सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा हम में स्थायी रूप से रहती हैं? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा स्थायी रूप से रहने का मतलब कि हमेशा रहती है, यही पूछना चाहते ना आप। देखिए, पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर रहता है जब आप पवित्र जीवन जीते। जैसे ही आप पवित्र जीवन, वचन के विरोध में जैसे ही आप जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगी, ये सच्चाई है। जहां वचन नहीं वहां पवित्र आत्मा नहीं है, जहां वचन है वहां पवित्र आत्मा है। क्या लिखा आपने भैया? मूर्ति बीजा समझ नहीं पाए, उसको क्लियर लिखिएगा। ये तो भैया मैं भी नहीं बता पाऊंगा, अगर परमेश्वर आपको बात करता है और आपकी आत्मिक आंखें खुल गई है तो आप परमेश्वर से पूछिए, ये तो आपका दर्शन और परमेश्वर की बातें हैं, इसके बारे में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। अगर परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखें खोल दी है तो देखिए, परमेश्वर जिसकी भी आत्मिक आंखें खुलता है उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन में पाप नहीं रहता। अगर आपके जीवन में पाप नहीं है, पाप नहीं करते हैं, तो हो सकता है परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखें खोल दी होंगी।
देखिए सिंपल सी चीज है, संसारिक कोई भी चीज, कोई भी रीति रिवाज में हम शामिल नहीं हो सकते, जिसमें मूर्ति पूजा का काम हो और जो भंडारा वगैरह सब कुछ मूर्ति पूजा का, तो हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? मूर्ति पूजा का मतलब क्या? मूर्ति पूजा का मतलब जो भी मूर्ति बनती है, जो हमारे परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। परमेश्वर को छोड़ के आप किसी और को ईश्वर मानते हो, मूर्ति पूजा है। जो कैथोलिक चर्च में यीशु मसीह की मूर्ति लगाते हैं, मरियम की मूर्ति लगाकर पूजा करते, ये भी मूर्ति पूजा है। ये सब नहीं करना है। चर्च वाले भी तो गलत काम करते हैं ना, मूर्ति की पूजा करते हैं, मरियम की पूजा करते, मरियम की पूजा करने के बारे में बाइबल में लिखा है क्या? वो फिर भी मरियम की पूजा करते। ओके, ठीक है। तो सभी को फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पे पहली बार है, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और हम इसी प्रकार हर शनिवार रात 8 बजे लाइव आते हैं आपके सवाल को लेकर, जो भी आप YouTube के माध्यम से पूछते हैं, Facebook के माध्यम से पूछते हैं। हमसे जुड़ने का आपके पास माध्यम यही है कि अभी आप Facebook और Instagram के माध्यम से और अपना Telegram के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और वो भैया थे हमारे साथ अभी, क्या नाम है उनका, महेश था ना शायद, क्या नाम था मैं देख लेता हूँ, हरीश भाई अभी हैं क्या आप? हरीश भाई अगर हैं तो जवाब दीजिएगा। चिकन फिश मछली कुछ भी खा सकते हो, बाइबल में मना नहीं है, मना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो साग सब्जी खा के भी रह सकते हो, कोई बुराई नहीं। दारू सिगरेट बीड़ी तंबाकू दुनियादारी की उल्टे सीधे चीजें मत खाना। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर आज भी लोगों से बात करता है, जैसे पहले भविष्यवक्ताओं से बात करता था, आज भी प्रभु के कई दासों से परमेश्वर बात करता है। जब प्रभु यीशु मसीह छूते हैं तो कैसा लगता है, कैसा लगता है पता नहीं, कैसा लगता है मेरे को तो वचन से बात करता परमेश्वर, छूना क्या, कोई करंट थोड़ी लगता है, जैसे इंसान छूते हैं वैसे ही लगेगा। आपको एक इंसान छुएगा तो कैसा लगेगा, वैसे ही लगेगा, कोई करंट नहीं लगता है। सोनिया जी जो भी हैं आप इतना कंफ्यूज मत होइए, बाइबल पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। शादी ब्याह इसमें जाने से किसने रोका है आपको? सिर्फ आपको संसारिक रीति रिवाज नहीं करना होता, उसमें देख लीजिए आप। अभी ऐसे गिनाने बैठूंगा तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर नहीं मानना, बाकी दूसरे के संग उठना बैठना गलत चीजों में नहीं, अच्छी बातों में, शादी ब्याह में जाना कोई मना थोड़ी है। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो यीशु मसीह को पसंद आता है, हर पाप यीशु मसीह को बुरा लगता है, ठीक है ना। ये सवाल करना ही गलत है आपका, वो ये कौन सा पाप है जो यीशु को नहीं पसंद है, नहीं पसंद आता। यीशु मसीह को कोई पाप पसंद आएगा? ये कोई गिना चुना है कि कोई पाप पसंद आएगा, कोई पाप मन नहीं पसंद आएगा, कैसी बात करते हो आप? ये तो कॉमन सेंस है ना, यीशु मसीह को पाप के बारे में कोई भी पाप पसंद नहीं है। आपको कोई छूट देगा कि भैया 10 पाप में से ये मत करना, 2 पाप कर लेना, ये मत करना, ऐसा थोड़ी है, कोई भी पाप नहीं करना। निर्मल जी लिख रहा भाई वीडियो, क्या वीडियो, पूरा लिखिए। भाई मुझे नहीं मालूम, ईश्वरी जी को ना आराधना करते टाइम परमेश्वर आपको छूता, आप कांपते हैं कि नहीं कांपते? मैं तो नहीं कांपता, आप कांपते हो तो भैया अपने हाथ पर चेक करा लो, शायद हो सकता है थोड़ी कमजोरी आ गई हो आपको।
भाई शादी ब्याह में जाने से किसने मना किया है आपको? भैया तुम अगर दुनिया के, आप कोई भी हो, नाम नहीं पता कौन हो, अगर दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए प्रसाद खाते हो तो भैया जाके मूर्ति पूजा भी कर लो, क्या बुराई है ना? परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया वो नहीं करना। दुनिया को खुश करने के लिए थोड़ी हम जीते हैं, हम तो प्रभु को खुश करना है। दुनिया को पसंद करके रहेंगे तो हम यीशु में थोड़ी, अगर आप ऐसा करते हो तो आप यीशु के वचन में नहीं चलते हो। हाँ तो ठीक है, कल से अगर आपको कोई कुछ ऐसा चीज ला देगा जो शरीर के लिए हानिकारक है, अगर वो बोलेगा दो घूंट मार लो तो आप उसको दवाई समझ के पी लोगे तो क्या आपका नुकसान होगा? अगर ऐसी कोई ऐसी चीज जो आपके शरीर को खत्म कर दे, ऐसी चीज लाकर आपको कोई कह दे भैया ये पी लो, आप कहोगे नहीं जी ये तो भाई दवाई है, मैं दवाई समझ के पी लेती हूँ, तो फिर आप समझ जाओ क्या होने वाला है आपके साथ। ये तो सिर्फ अपनी शौक, अपनी इच्छाओं को हम परमेश्वर को भी ढाल बनाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के साथ थोड़ी चलना, हम तो परमेश्वर को, तेरा आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं पता है? आप परमेश्वर को चलने, आप परमेश्वर को अपने साथ में लेकर धोखे में चल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा करके दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। अगर आपके कारण कोई नसी ठोकर खाएगा तो आपको उसका सजा भी परमेश्वर देगा। आप प्रभु के संग चलते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी, नहीं खा सकते आप। आप ये नहीं बोलिए कि मैं खाता हूँ या खाती हूँ, भैया मैं इसलिए खाती हूँ कि उसे स्वीट समझ कर खा जाती हूँ, अनजान नहीं है, क्या गलत है? बिल्कुल गलत है, आप नहीं कर सकते ये। आप अगर खाते हो तो भाई आगे से मत खाइए, गलत है। जो भी आपको खिलाता है आप उसे साफ बोल दीजिए, मसीह है। मेरे घर के आसपास सारे प्रभु पे विश्वास नहीं करने वाले लोग रहते, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो अपने सारे त्यौहार मनाते हैं, अभी बहुत सारे चीज़ों को करते हैं। मैंने उन सबको बोल रखा है मैं प्रसाद नहीं खाता हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करते हैं। वो लोग हमारे घर पर लेके नहीं आते, लेकिन हम उनके संग उठते बैठते हैं, उनके घर का चाय पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। लेकिन जो लोग वो मूर्ति पे चढ़ा कर लाते हैं वो नहीं खाते, क्योंकि उनको पता ये नहीं खाएंगे। देखिए यही तो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, हम दिखावटी जीवन थोड़ी जी रहे। हम मसीह में अलग किए, किसी के साथ उठना बैठना मना है, मना नहीं है, लेकिन उसके गलत चीज़ों में नहीं जाना है हमें। अगर आप प्रसाद खा ले रहे हो तो आपका उद्धार थोड़ी हुआ है, आप तो फिर सांसारिक बातों में। बिल्कुल विश्वासियों के पास परमेश्वर का दर्शन हो सकता है। परमेश्वर के वचन में चलिए, परमेश्वर जरूर आपके पति के हृदय को बदलेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से जरूर होगी। बिल्कुल जी, परमेश्वर का दर्शन आजकल विश्वासी के पास हो सकता है। फेस्टिवल मना सकते हैं, देखिए कोई भी संसारिक फेस्टिवल जो कि किसी पूजा से रिलेटेड, उसको नहीं मना सकते। अगर हमारा देश 15 अगस्त को 15 अगस्त दिन आजाद हुआ था उसको तो मना सकते हैं ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। 26 जनवरी मना सकते हैं, मना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई ऐसा रिवाज जिसके पीछे कोई ईश्वर है उसको नहीं कर सकते। देखिए ईश्वरी जी, जो भी है आप जो भी कुछ लिख रहे हैं उसमें आप स्पेस देकर लिखिए। आपके लिखा हुआ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसमें स्पेस नहीं दे रहे हैं, जोड़ जोड़ कर लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसको क्लियर लिखिए। नशा करते हैं तो प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेंगे उससे छूटने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आपके नशे छूट जाए, यीशु के नाम में। ओके ठीक है, हमारा समय समाप्त होने की ओर जा रहा है। हम हर शनिवार रात को 8:30 बजे लाइव आते हैं, आप लोग हमारे संग जुड़ सकते हैं अपने सवालों को लेकर, प्रार्थना विषय को लेकर, और
रोजाना हमारे इसी चैनल पर दो वीडियोस आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। मणिराम सर, आपने लिखा है सर प्लीज, क्या प्लीज है? उसका पूरा जवाब बताइए ना, किस लिए लिखा है। और मैं रोज लाइव नहीं आता हूँ, शनिवार रात को 8 बजे लाइव आता हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग आज के सभा को समाप्त करने जा रहे हैं और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलिए देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए थे। जितने लोग पहली बार हमें देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हम रोजाना दो वीडियोज लाते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम का लिंक हमने डाल रखा है, आप उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम को क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और शनिवार शनिवार रात को 8 बजे हम आके लाइव आते हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवार को संभाले, सुरक्षित रखे, और जैसे जी रहे परमेश्वर में बढ़े और अधिक परमेश्वर में मजबूत बने, विश्वास में मजबूत बने, सांसारिक बातों से मन हटाकर प्रभु की ओर चलें, यही परमेश्वर की इच्छा आप सबके जीवन में होनी चाहिए। सभी को जय मसीह की। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ, और प्रभु जी आज के सारे विषयों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने भी लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं पिता, उन सभी को जो अब तक हमारे संग चल रहे थे पिता, अभी तक जितने लोग जुड़े थे, जो छोड़ कर चले गए, उन सबको भी पिता मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। आने वाले टाइम में जो इस वीडियो को देखेंगे, इन बातों को सुनेंगे, उनके जीवन के लिए भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन भाई बहनों ने अपने प्रार्थना का विषय हमें दिया है प्रभु जी, यदि किसी का विषय छूट गया है प्रभु, उनको भी मैं आपके बलवंत हाथों में सौंप कर प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में आपकी महिमा स्तुति होने पाए, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वो चलने पाए पिता परमेश्वर। हर बातों में प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करें। यीशु मसीह के अधिकार के नाम से आज की रात्रि के लिए धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुने और कबूल करें स्वर्गीय पिता, आमीन। और सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं सभी को जय मसीह की। ठीक है, सभी को परमेश्वर आशीष दे, आपके परिवार को संभाले, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, वचनों में चलें, जैसे परमेश्वर चाहता उस प्रकार का जीवन जिए, संसारिक बातों में मन ना लगाएं, प्रभु की ओर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, आशीषित रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। परमेश्वर आपको आशीष दे।